जो आगे की बात है, समाज में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इस पे हम कुछ देर बात करेंगे, और अगर बीच बीच में जैसे भी आप सभी के किन्हीं के प्रश्न बनेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ये बात, ये समाज में व्यवस्था, ये प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था को क्यों समझना है, एक प्रश्न तो ये बनता है। तो ये भी इसीलिए समझना है क्योंकि ये भी मेरी चाहना से, मूल चाहना से जुड़ा हुआ है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं निरंतरता चाहता हूँ, सुख समृद्धि की निरंतरता चाहता हूँ। और जब सुख को समझने गए तो ये भी ध्यान में आया कि संगीत में या व्यवस्था में जीना ही सुख है। तो जितना भी मेरे जीने का फैलाव है, उस सारे पे ही, उस सारे में ही हारमनी को या संगीत को समझना बनता है ना। समाज में मेरा जीना हो ही रहा है, अपने आप में भी मैं जीता हूँ, यानी कि स्वयं में जीता हूँ, किसी ना किसी परिवार का भी हिस्सा हूँ, और अगर देखूँ तो ठीक से मैं समाज में भी जीना हो ही रहा है ना। तो जो है, परिवार एक ऐसी स्थली है जहाँ पे हम संबंधों को समझते हैं, संबंधों के विज्ञान को समझते हैं, अपनी भी समझ में हम विकास करते हैं, और अल्टीमेटली हम एक बड़े परिवार में, यानी कि समाज में भी जीने चाहते हैं। तो समाज में मेरा जीना जुड़ा ही हुआ है, समझ के जिए या नहीं समझ के जिए, दोनों केसेस में समाज में जीना तो बना ही हुआ है ना। और समाज में हमारी आपस में एक दूसरे के साथ निर्भरता भी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी है। तो इस अर्थ में समाज में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो है, राइट अंडरस्टैंडिंग, संबंध और सुख सुविधा, ये तीनों को ही हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मानव में संगीत और परिवार में संगीत, इसको समझने का प्रयास किया, और अब समाज में संगीत या व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, उसको समझने की बात करेंगे। तो अभी तक जितनी बात हुई है, तो हमने देखा कि परिवार जो है, मानव के साथ साथ जीने के क्रम में एक मौलिक इकाई है ना। तो एक परिवार एक ऐसी स्थली है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी समझ का भी विकास करते हैं, भावों को भी समझते हैं, और दूसरे की भी विकास में सहयोग कर पाते, और जो हमारी समझ बनती है उसके साथ फिर हम एक बड़ी व्यवस्था यानी कि समाज में जीने जाते हैं। और मेरा जीना और परिवार का जीना और समाज में जीना, ये आपस में जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है एक दूसरे के साथ। समाज कोई ऐसी बात नहीं है जैसे जहाँ पे हमारा जीना नहीं है, समाज में हमारा जीना हो ही रहा है। इनफैक्ट अगर ठीक से देखें तो परिवार जो है वो हमारी इमीडिएट सोसाइटी है, और समाज हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। ये दोनों अलग अलग बात नहीं है, बल्कि वो जो छोटा परिवार है, जब उसको और फैलाने जाते हैं, जब उसको एक्सटेंड करने जाते हैं, तो हम एक बड़े परिवार में ही जीने की बात करते हैं। तो समाज जो है वो एक बड़ा परिवार है ना, या परिवार से बड़ी व्यवस्था है। तो उसको भी समझना बनता है कि वहां पर संयोग संगीत में या व्यवस्था में जीने का स्वरूप क्या होगा। और समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करने वाले कई परिवारों के साथ मिलकर रहने से समाज का निर्माण हो। तो अब हमको कुछ ये प्रश्न अपने साथ अपने लिए पूछने हैं कि अभी तक तो हम जितनी भी बात कर रहे थे वो व्यक्तिगत सुख की बात कर रहे थे, व्यक्तिगत लक्ष्य की बात कर रहे थे। तो व्यक्तिगत लक्ष्य को हमने सुख समृद्धि के रूप में पहचाना। अब बात ये होगी, अब प्रश्न ये बनेगा, जब हमको समाज में जीना है तो समाज में जीते हुए मानव का लक्ष्य क्या होगा। अब पहले हम बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है। तो व्यक्तिगत लक्ष्य को सुख और समृद्धि के रूप में पहचाना, सुख और समृद्धि की निरंतरता के रूप में पहचाना। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, अब उसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब मैं एक इकाई के रूप में, एक बड़े परिवार में जीऊंगा, यानी कि समाज में जीऊंगा, तो समाज में रहते हुए मानव का लक्ष्य क्या होगा। एक तो इस प्रश्न को हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे, जांचने परखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये भी प्रयास करेंगे कि अगर मानव लक्ष्य ध्यान में आ जाए, समाज में जीते हुए अगर मानव लक्ष्य ध्यान में आ जाए, तो उस मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाओं को स्थापित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, वो एक दूसरी बात है। और एक तीसरी बात है कि ये जो व्यवस्था को स्थापित करने जाएंगे मानव लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में, इसका फैलाव कितना होगा, इसका एक्सपेंस कितना होगा, या इसका सोपान कितना होगा। तो ये तीन प्रश्न हैं जो हम लोग अगले 45 मिनट में है ना एक्सप्लोर करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, जांच परख का काम करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे तीन प्रश्न पूछता हूँ, और आप सब लोग जो है चैट में इसके रिस्पॉन्सेज भी लिखिएगा। तो तीन सिनेरियो हैं, उसमें हम अब ये समझने का प्रयास करें कि हम सबकी चाहना क्या है और आज के दिन हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो पहली बात यह है कि साथ साथ रह रहे या जी रहे परिवार परस्पर पूरकता के अर्थ में, परस्पर पूरकता के संबंध में जिनका लक्ष्य समान हो। एक तो ये सिचुएशन है कि जहाँ पे परिवार जो है, विभिन्न परिवार आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरक होने के अर्थ में, और जिनका लक्ष्य भी समान।
दूसरा सिनेरियो ये है कि जहां पे व्यक्ति हैं, परिवार नहीं है, व्यक्ति साथ साथ रह रहे हैं, है ना, और परस्पर पूरकता के संबंध में नहीं जी रहे, है ना, उनका लक्ष्य भी अलग अलग है, तो ये दूसरा केस है। एक तीसरा केस ये है कि जहाँ पे व्यक्ति जो है अलग अलग रह रहे हैं, और वो भी परस्पर विरोध के अर्थ में, परस्पर संघर्ष की स्थिति में, और जहाँ पे जो उनके लक्ष्य हैं वो दोनों व्यक्तियों के या सभी व्यक्तियों के जो लक्ष्य हैं वो परस्पर विरोधी हैं, तो किस स्थिति में जीना, किस केस के साथ जीना हम सभी को सहज स्वीकार होगा, पहले के साथ, दूसरे के साथ या तीसरे के साथ। तो आप चैट में भी अपने रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं कि किस स्थिति में जीना हमको सहज स्वीकार है, एक के साथ अर्थ में, दो के अर्थ में या तीन के अर्थ। तो डिजायरेबल क्या है, वांछनीय क्या है, लोग परस्पर पूरकता के भाव के साथ रहें, लोग साथ रहें परंतु आपस में कोई पूरकता का भाव ना हो, और तीसरा केस है कि लोग आपस में संघर्ष करें, लोग आपस में विरोध के भाव से जी। तो डिजायरेबल क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है या वांछनीय क्या है, इसको है ना अभी चैट में भी लिखें, और आपके स्क्रीन पर भी जो है ये एक पोल है, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, तो ये लॉन्च हो गया, ये आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। और वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, क्या हम अगर पूरे समाज को देखें तो क्या लगता है, लोग या परिवार पूरकता के भाव के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, या साथ साथ तो रह रहे हैं लेकिन पूरकता का भाव नहीं। और तीसरा केस ये कि लोग आपस में संघर्ष या विरोध कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है, चाहते क्या हैं और स्थिति क्या है, इसका एक आकलन करते हैं। और इसी बीच अगर कोई प्रश्न भी है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। परस्पर समान लक्ष्य का मतलब क्या होगा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, गणेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई थिंक ऐसे ही हो गया है। तो समान लक्ष्य ये होगा कि जहाँ पे एक परिवार या कुछ परिवारों के लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, और एक लक्ष्य पूर्ति के लिए, जो समाधान समृद्धि की हम लोगों ने बात की, ये जो निरंतर सुख की बात की, ये निरंतर सुख के लक्ष्य की पूर्ति के अर्थ में सभी लोग मिलजुल कर परस्पर पूरकता के साथ है। एक दूसरी स्थिति ये है कि जहाँ पे परिवार में लोग, एक दूसरी स्थिति ये है जहाँ पे परिवार में लोग साथ साथ तो रह रहे हैं लेकिन सभी का लक्ष्य अलग अलग है। तो पिताजी का लक्ष्य है कि समाज में जो है अच्छा काम करें, समाज में एक सार्थक भागीदारी करें, बेटे का लक्ष्य है कि समाज में पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, ये अलग अलग लक्ष्य है ना। तो पत्नी का लक्ष्य है कि अपना मानसिक या आध्यात्मिक विकास करना है, और पति का लक्ष्य है कि जो बहुत पैसा कमाना है, तो ये लक्ष्य अलग अलग लक्ष्य है ना। लेकिन अगर परस्पर विरोधी लक्ष्य को देखेंगे तो उसमें अगर ये देखें कि एक को पेड़ लगाना है और दूसरे को पेड़ काटना है, तो ये क्या हो गया, ये परस्पर विरोधी हो गया। एक को पैसा कमाना है, दूसरे को समाज सेवा करनी है, ये विरोधी लक्ष्य नहीं है, ये अलग अलग लक्ष्य है। लेकिन एक को पेड़ लगाना है और दूसरे को पेड़ काटना है, एक को जंगल बचाना है दूसरे को जंगल काट देना है, ये परस्पर विरोधी लक्ष्य। तो क्या लगता है, डिजायरेबल क्या है ना, और आज के दिन हमको समाज में क्या दिखाई देता है। तो बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि चाहते तो हम ये हैं कि समान लक्ष्य है ना, लेकिन आज की स्थिति का अगर आकलन करें तो ज्यादातर केस में तो ये बात है कि परस्पर पूरकता का भाव तो नहीं है, साथ में तो जीना हो रहा है लेकिन परस्पर पूरकता का भाव नहीं है, लक्ष्य अलग अलग। और बहुत सारे केस में ऐसा भी है कि जो लोग हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और कुछ जगह ऐसा भी है कि लोग परस्पर पूरकता के भाव के साथ जी। बहुत अच्छी बात। अब अगर इन तीनों स्थितियों को देखें तो जो समान लक्ष्य के साथ जी रहा परिवार है या समान लक्ष्य के साथ जी रहे परिवार हैं, इन्हीं को समाज कहा जाएगा। अलग अलग लक्ष्यों के साथ जी रहा जो परिवार है उसको भीड़ कहा जाएगा, और परस्पर विरोधी लक्ष्यों के साथ जी रहे परिवार को या परिवारों को युद्ध का मैदान कहा जाएगा। क्या ऐसा कहना ठीक है या ऐसा कहना ठीक नहीं है, इस पे आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। आपका कोई इस संदर्भ में कोई प्रश्न भी है तो उसको पूछ सकते हैं। कि परिवार वही है या समाज वही है जहाँ पे लोगों का या परिवारों का लक्ष्य एक है। जिस परिवार में परिवार के लोगों का लक्ष्य एक नहीं है वो परिवार नहीं है, वो समाज नहीं है, वो भीड़ है ना। या जहाँ पे परस्पर विरोधी लक्ष्य है, किसी भी समाज में रहने वाले परिवारों का या रहने वाले लोगों का आपस का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही परस्पर विरोधी है, तो वो परिवार नहीं है, वो समाज नहीं है, फिर वो युद्ध का मैदान है ना। तो क्या स्थिति है आज और क्या हम चाहते हैं, ये एक है ना इवैल्यूएट करने की बात है। तो
इस अर्थ में अगर किसी का कोई शेयरिंग है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कोई प्रश्न है तो आप उस पर बात कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम समाज की व्यवस्था की जांच, समाज में व्यवस्था की जांच परख करेंगे। समाज में व्यवस्था का आधार परिवार में व्यवस्था है और जिसका आधार मानव में मूल। तो ये बात भी अब ध्यान में आ सकती है, जितनी भी चर्चा हुई है पुरानी कि पिछले 3 दिन में जितनी चर्चा हुई कि अगर समाज में हम व्यवस्था देखना चाहते हैं तो उसके लिए परिवार में है ना व्यवस्था सुनिश्चित होनी जरूरी, क्योंकि वही परिवार समाज की समाज में व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी कर पाता है जो स्वयं में व्यवस्थित होता है। वो परिवार जिसमें जिस परिवार में ही अगर व्यवस्था नहीं है तो वो अव्यवस्थित परिवार समाज की व्यवस्था में भी भागीदारी नहीं कर पाता। और परिवार वही व्यवस्थित होता है जिस परिवार के लोग, जिस परिवार में रहने वाले सदस्य, उनके अंदर व्यवस्था हो, उनके स्वयं में व्यवस्था हो। तो समाज की व्यवस्था का आधार परिवार में व्यवस्था है और परिवार की व्यवस्था का आधार मानव में व्यवस्था, इसीलिए मानव में व्यवस्था होनी जरूरी। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि समाज में व्यवस्था हो उसके लिए परिवार व्यवस्थित होने जरूरी है, अगर परिवार व्यवस्थित हो उसके लिए व्यक्ति का या मानव का या हमारा स्वयं का व्यवस्थित होना जरूरी, तब जाके परिवार में समाज में व्यवस्था दिखाई दे। अब अगर हम समाज में जीते हुए है ना एक समाज में जीते हुए अगर मानव के लक्ष्य को पहचानने का प्रयास करें तो एक बात तो ये ध्यान में आती कि हर व्यक्ति जो है वो समाधान संपन्न, हर व्यक्ति सही समझ और सही भाव से जी रहा हो या जी सके। कितने लोग ऐसा कर सकें, पर हेड ऑफ द फैमिली ही समझदार हो या परिवार के सभी सदस्य समझदार? तो एक सहज उत्तर अपने अंदर यही बनता है कि परिवार का हर सदस्य समझदार। एक एक कॉलेज का या एक संस्था का हेड ऑफ द फैमिली ही समझदार हो या उस संस्था के सभी सदस्य ही समझदार, तो संस्था के सभी सदस्य सही समझ और सही भाव से चीज। दूसरा है कि परिवार में समृद्धि हो या परिवार में संग्रह हो, तो परिवार में समृद्धि हो, यही हमें सहज स्वीकार। तीसरा, समाज में हम भय देखना चाहते हैं या समाज में अभय देखना चाहते हैं? क्या लगता है, लोग आपस में एक दूसरे से डर के रहें है ना, भय के साथ रहें, या परिवार समाज में विश्वास का भाव हो, अभयता का भाव, तो अभयता का भाव, यही हमको सहज स्वीकार। प्रकृति में या अस्तित्व में परस्पर पूरकता हो, सह अस्तित्व का भाव हो, को एग्जिस्टेंस हो, नेचर के साथ आदमी को एग्जिस्टेंस के भाव के साथ जी सके, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ जी सके, या नेचर के ऊपर डोमिनेशन हो, नेचर के ऊपर शासन हो, क्या सहज स्वीकार? तो अगर स्वयं में देखने जाए तो ये बात स्वीकार होती है कि नेचर के साथ तालमेल हो, नेचर के साथ संगीत हो, ना कि नेचर पे कुदरत के ऊपर शासन हो। फिर समाज में भी यही ध्यान में आता है, चाहना तो हमारी यही है कि समाज में अभय हो, अभयता के भाव के साथ जी, ना कि भय के साथ जी, अविश्वास के साथ जिए या विश्वास के साथ जी सके, तो विश्वास के भाव के साथ। परिवारों में क्या हो, परिवारों में जो है असीमित सुविधा संग्रह हो या परिवार समृद्ध हो, तो परिवार समृद्ध हो। हर मानव समझदार हो या मानव में मान्यताएं हो, तो मानव समझदार। तो ये जो है ये मानव लक्ष्य के रूप में हम इसको पहचान सकते हैं। तो क्या ये जो लक्ष्य हैं ये हमको सहज स्वीकार होते हैं? इस पे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी लेते हैं, एक पोल लेते हैं अभी। जी, तो क्या हमारे लिए सभी चारों लक्ष्य वांछनीय हैं या हम इनमें से किसी को छोड़ सकते हैं? अगर चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो कुछ और आवश्यक नहीं होगा, इस बात को लेकर क्या हम इन सभी चार लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं? आज के दिन भी देखें, क्या हम इन चारों लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं? तो अगर ये चारों लक्ष्य हमको सहज स्वीकार हैं तो हमें कहाँ से शुरुआत करने की जरूरत है? ये चार प्रश्न हैं, इनको रिस्पॉन्स भी करें और अगर इनको लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्लैरिफिकेशन के लिए बात कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई क्वेश्चन है तो उस पर बात कर सकते हैं। तो क्या लगता है, ये जो चारों लक्ष्य हैं ये डिजायर्ड हैं, ये अवांछनीय है, या हम इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं? क्या लगता है, आप चैट में भी लिख सकते हैं, ये चाहिए, ये हम चाहते हैं या नहीं चाहते, या इनको छोड़ सकते हैं? अगर इन चारों लक्ष्यों को पूरा कर लें तो और क्या बचेगा, है ना? वो अगर कोई ध्यान में आए तो आप उसको भी लिखिए। तो हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सह अस्तित्व। तो अगर ये चारों पूरे हो जाएं, तो
तो क्या कुछ और भी आवश्यक होगा, आप उस पर भी सोचिए और उस पर भी है ना रिस्पॉन्स कीजिए। क्या आज के दिन हम चारों लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा और हमारी सामाजिक व्यवस्था? क्या लगता है, चारों के लिए काम किया जा रहा है या किसी एक के लिए काम किया जा रहा है या किसी के लिए भी सही रूप में काम नहीं किया जा रहा? क्या लगता है आप, उस पर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। और एक और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमको इन चारों को सुनिश्चित करना है तो हमको कहाँ से शुरू करना हो, पहले किस पे काम करें? तो ये चार प्रश्न हैं, आप इस पे रिफ्लेक्ट कीजिए और आपको जो भी महसूस होता है हम उस पे बात कर सकते हैं। सही, किसी का कोई ऑब्जर्वेशन हो तो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उस पर बात कर सकते हैं। ठीक बात है, ये सभी के ध्यान में आ रहा है, ये चारों लक्ष्य वांछनीय हैं। जी मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चारों लक्ष्य वांछनीय हैं और जी वांछनीय है, इसकी शुरुआत तो स्वयं से करनी पड़ेगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ठीक बात, तो वांछनीय भी हैं, डिजायरेबल हैं, अगर इन चारों को पूरा कर लिया जाए, अगर इन चारों को सुनिश्चित कर लिया जाए तो और क्या बचेगा? अगर वो भी कुछ ध्यान में आता है, जो उसमें नहीं आया तो उस पर भी बात कर सकते हैं। और तीसरी बात है, आज के दिन अगर हम देखें तो क्या लगता है, हम समाज में इन चारों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं है ना, या हम कुछ पर काम कर रहे हैं, या हम फिर वास्तव में इनमें से किसी भी लक्ष्य पर सही अर्थों में काम नहीं कर रहे? तो क्या लगता है, आपका विचार क्या है तीसरे क्वेश्चन को लेके, आपका विचार क्या है कि हम क्या चारों पर काम कर रहे हैं, हम कुछ पे काम कर रहे हैं, या सही अर्थों में हम किसी पे भी नहीं काम? और हमें कहाँ से शुरुआत करनी हो? तो अगर चारों लक्ष्य जरूरी हैं तो एक प्रश्न ये बनता है कि पहले प्रकृति में पेड़ लगाए जाएंगे या पहले व्यक्ति समझदार हो? क्या लगता है, इसको आप फेर दीजिए। चारों पर तो काम करने की जरूरत है, चारों लक्ष्य वांछनीय भी हैं है ना, चारों पे ही काम करने की जरूरत है, लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि शुरू कहाँ से करें, पहले नेचर में पेड़ लगाएंगे, पहले तालाब ठीक करेंगे, नदियाँ ठीक करेंगे, या पहले आदमी समझदार होगा? ये प्रश्न बनता है, पहले समाज में अभय स्थापित करने जाएंगे या फिर पहले मानव की तैयारी, ये सारे विषय को हमने सोचना है। जी डॉक्टर सुनीता जी। सर सादर प्रणाम। जी सर, इन चारों लक्ष्यों में जो सर्वोपरि लक्ष्य हमारा है कि शुरुआत हमको हमारे से ही करनी होगी। अगर हम सही साथ होंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारे हमारे मेरा खुद का सोच अगर मूल्य परक होगी तो वह सोच मैं अपने बच्चों पर दे पाऊंगी और अपने आसपास के वातावरण में दे पाऊंगी। तो वो धीरे धीरे जब वो मूल्यों का विस्तार होता जाएगा तो स्वतः हमारा समाज काम करने लग जाएगा, तो धीरे धीरे हम चारों लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहला लक्ष्य जो है कि मेरा खुद का, जो इस कार्यक्रम को सुनने के पश्चात या आनंद विभाग को ज्वाइन करने के पश्चात जो मेरा खुद का लक्ष्य था कि सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है, अपनी सोच को व्यवस्थित करना है, मूल्य पर आधारित सोच बनानी है। तो वो संस्कार धीरे धीरे परिवार में जाएंगे और फिर हम उदाहरण बनकर के आसपास के वातावरण को अन्य लोगों को प्रेरित कर पाएंगे, तो फिर हमारा समाज श्रेष्ठ बन पाएगा सर। यही, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ठीक बात है, ये तो ध्यान में आ रहा है कि स्वयं पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब व्यक्ति समझदार होता है तभी वो अपने परिवार में के बाकी सदस्यों के लिए भी पूरक होते, उस अर्थ में वो कुछ कर पाता है। जी मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी सर, गलती से। जी गणेश जी, आप। हाँ सर जी, गणेश कानड़े बोल रहे हैं। जी जी सर, हमें शुरुआत व्यक्ति या मानव से ही करना पड़ेगी जी, और यदि व्यक्ति में हमने समझ विकसित कर दी तो वो परस्पर प्रकृति का पूरकता होगी जी, और जब प्रकृति के साथ में पूरकता होगी तो बाकी चीजें जो हम चाह रहे हैं वो सभी हो जाएगी, तो इसलिए शुरुआत व्यक्ति से ही करना पड़ेगी। जी जी ठीक बात है, तो ये तो ध्यान में आ रहा है कि पहले नंबर पे तो व्यक्ति की तैयारी का काम है,
जब मानव की तैयारी हो पाती है तो वही मानव अपने परिवार की समृद्धि के लिए कुछ भागीदारी कर पाता। जो व्यक्ति अगर कोई अगर व्यक्ति ही तैयार नहीं होता तो फिर परिवार तैयार नहीं होता। व्यक्ति की तैयारी के साथ ही परिवार की तैयारी की बात हो पाती। तो अगर पहले नंबर पे देखें तो मानव की समझदारी ही प्राइमरी काम, और एक नंबर के साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो पाती। कि जब व्यक्ति समझदार होता है, सही समझ के साथ जीता है, तो ही वो परिवार की समृद्धि के लिए काम कर पाता है। और ये जो समाधान और समृद्ध परिवार है, यही फिर समाज में अभय स्थापित करने के लिए काम कर पाता है। क्योंकि अगर कोई परिवार ऐसा है जो स्वयं में, अगर उस परिवार के सदस्य एक तो स्वयं में सही समझ के साथ संपन्न नहीं है, सही समझ से संपन्न नहीं है, और अगर अपने परिवार में भी वो समृद्धि का भाव महसूस नहीं करते हैं या दरिद्रता महसूस करते हैं, तो जो परिवार स्वयं में ही दरिद्र है तो क्या लगता है वो समाज में भय के अर्थ में भय और बढ़े इसीलिए काम करेगा या अभय के लिए काम करेगा? समाज से और ज्यादा लेने के अर्थ में काम करेगा या समाज को कुछ देने के अर्थ में काम करेगा? तो अगर परिवार समृद्ध नहीं है तो समाज से ज्यादा इकट्ठा करने के अर्थ में काम करेगा, है ना? और अगर परिवार जो है समृद्ध है तो फिर वही परिवार और परिवारों को भी समृद्ध करने के अर्थ में काम करेगा, है ना? तो यहाँ पे एक बार बलबीर जी का और सुरभि जी का एक एक करके ऑब्जर्वेशन लेते हैं, या उनका कोई प्रश्न है तो बलबीर जी। जी जी नमस्कार। एक प्रक्रिया है कि यदि व्यक्ति ठीक नहीं होगा तो फिर वो समाज और परिवार में कुछ ठीक ढंग से कर नहीं पाएगा। इसलिए शुरुआत महत्वपूर्ण बात है, सभी लोगों इनफैक्ट एक ही आंसर आएगा कि व्यक्ति से ही शुरुआत करना पड़ेगी। और यदि वो प्रयास करता भी है कि मैं समाज में परिवार में ठीक करूं, बिना अपने वो ठीक करे तो वो ठीक हो ही नहीं सकता है, नंबर एक बात। जी सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। तो ये बात तो अभी हम सबके ही ध्यान में आ गई है कि जो है स्वयं पे ही काम करने की जरूरत है और अपने साथ फिर परिवार के की तैयारी की बात है, है ना? ठीक बात है। सुरभि जी का भी एक वो ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन, फिर लखन जी। जी लखन जी भी हैं, तो आप दोनों में से जिनका माइक पहले ओपन हो जाए, सुरभि जी या लखन जी। हेलो जी जी। हाँ, जैसे सभी बोल रहे हैं कि हमें स्वयं से ही शुरुआत करनी है, तो बिल्कुल सही एक ये चीज है कि हमें स्वयं से शुरुआत करनी है। और इसका जो दूसरा रिफ्लेक्शन है वो इस तरह का हम मान सकते हैं कि अगर हम हमारे मान लें कि हम 100 लोग हैं, और अगर हम 100 लोग स्वयं पर ही अपनी ये तैयारी या सही समझ की कोशिश जो है वो जारी रखते हैं, तो हम लोग आपस में ही धीरे धीरे वो एक परिवार और एक समाज का जो एक सामंजस्य होता है वो अपने आप में ही व्यवस्थित होता चला जाएगा। मतलब इसीलिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ हमारी सही समझ डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों में अपने आप सामंजस्य बैठने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि तो सभी जब अपनी अपनी सही समझ की तरफ प्रवृत्त होंगे तो हमको हर किसी को ही जाके ठीक करना या हमें मतलब दूसरे लेवल पर वर्क करने की कोशिश भी कम करनी होगी। ये मेरा कहना था इसमें। ठीक बात है। तो एक तो देखिए, हम अपने पर जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो जैसे जैसे हमारे जीने में जब हमारी समझ का विकास होता है तो हमारे जीने में निश्चितता आती है, हमारे सुख का विकास होता है और हमारे जीने में या हमारे आचरण में निश्चितता आती है। तो एक तो पहले नंबर पे तो जो बहुत सारी गलतियां समझ के अभाव में हम पहले कर रहे थे जाने अनजाने, वो सारी रुकने लग जाती है ना। और जो सही आचरण की बात है वो धीरे धीरे हमारे अंदर निश्चित होने लग जाती है, यानी हमारे अंदर से अब धीरे धीरे सही आचरण होने लग जाता है। और जैसे जैसे हमारा आचरण भी ठीक होता रहता है तो वो उसका प्रभाव भी, उसकी प्रेरणा भी दूसरे लोगों के पास या दूसरे परिवारों के पास जाती रहती है। तो जो है जितनी जितनी हमारी समझ बढ़ती भी जाती है उतना उतना बाहर भी हम सही अर्थों में भागीदारी भी करना कर पाते हैं। तो ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो जो है हमारी समझ के साथ जो है हम स्वयं में भी सुखी होने लगते हैं और बाहर भी जो है हम सही अर्थों में भागीदारी करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। लखन जी, लखन असाटी जी। जी लखन मुझे, हाँ जी जी, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि मैं ही समाज हूँ चूंकि, तो जो भी शुरुआत होगी, जो भी बात होगी वो मैं से ही होगी, खुद से होगी। और मुझे लगता है कि जो परिवार है, परिवार के प्रत्येक सदस्य में सुख समृद्धि का भाव आना ही चाहिए, अन्यथा समस्या तो परिवार के अंदर ही है। एक व्यक्ति
प्रकृति के साथ है और दूसरा व्यक्ति प्रकृति, जैसे आपने कहा कि एक पेड़ काट रहा है और एक जो है लगा रहा है, तो ये कहीं समाज में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे उदाहरण एक परिवार के अंदर ही है। ठीक बात है। तो मेरा भी यही है कि शुरुआत मैं से होगी और अगर परिवार सुधर गया तो मुझे लगता बहुत बड़ी वो जो अपनी लक्ष्य उपलब्धि है वो बहुत बड़ी हो गई है अगर हमारा खुद का परिवार ही ठीक हो गया। जी जी ठीक बात है। देखिए हम वही तो अपने परिवार में समृद्धि के अर्थ में हम काम करते रहेंगे, बट जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती रहती है, समझ और विकसित होने लग जाती है, तो हम परिवार के साथ साथ क्योंकि हम समाज में जी ही रहे हैं, समाज में भागीदारी कर ही रहे हैं, तो हम इस बात का इंतजार भी नहीं करते कि जब तक परिवार ठीक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। परिवार में काम करते रहते, परिवार में काम करते हुए जो हम भागीदारी पहले से ही समाज में कर रहे हैं किसी ना किसी दायित्व का निर्वाह करते हुए, उस अर्थ में हमारी भागीदारी और सही के अर्थ में है ना होने लग जाती है, तो ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, ठीक होता रहता है। लेकिन इसकी जो मूल बात है वो मूल बात यह है कि जितना जितना हम हमारे अंदर समझ का विकास होता है उतना उतना हम परिवार में भी ठीक कर पाते हैं, ठीक जी पाते हैं और समाज में भी अपनी भागीदारी सही अर्थों में कर पाते हैं, है ना। तो एक और दो के साथ अगर देखने जाएं तो पहले नंबर पे तो स्वयं में सही समझ बढ़े इसी के लिए काम करेंगे, फिर परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो इसके लिए काम करेंगे, फिर ये जब परिवार तैयार होता है तो ये परिवार जब भागीदारी करने जाएगा तब समाज में अभय स्थापित हो, है ना, परस्पर विश्वास के साथ समाज में जिया जा सके, वो इस अर्थ में काम करेगा। तो एक और दो के साथ तीन नंबर पे यानी समाज में अभय स्थापित हो, समाज में अभय सुनिश्चित हो, इस अर्थ में ये परिवार काम कर पाता है। और जैसे जैसे समाज जो है अभयता के साथ यानी कि विश्वास के साथ जी पाता है तो नेचर का भी ध्यान रख पाते हैं, इस कुदरत का प्रकृति का भी ध्यान रख पाते हैं, है ना। क्योंकि अभी ठीक से देखें हमको लगता है कि पानी खराब हो रहा है, जंगल खराब हो रहे हैं, है ना, पेड़ कटे जा रहे हैं, है ना, बहुत सारा साधनों का, बहुत सारा प्रकृति का दुरुपयोग हो रहा है। उसके अगर बहुत मूल कारणों में से एक कारण को देखने जाए ना तो वो कारण ये है कि आदमी भोग विलास तब करता है जब कहीं ना कहीं वो संबंधों में तृप्त नहीं हो पाता। अगर हमारा संबंध ठीक नहीं चल रहा होता ना, अगर हमारा संबंध ठीक नहीं होता, अगर संबंध की जगह से हम तृप्त नहीं होते, फिर आदमी जो है दूसरे मनुष्यों का भी शोषण करता रहता है और प्रकृति का भी दोहन करता रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर परिवार में ही देखें उदाहरण के रूप में, अगर घर में कमरों में किसी कमरे में एसी चल रहा है लेकिन अगर आपस में परिवार में देखने जाएं तो पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो दोनों की अगर झगड़ा हो रहा है तो ये तय नहीं हो पाता कि एसी कौन बंद करेगा, तो वो बोलेगा कि भाई एसी जो है तुम बंद करो, जिसने चलाया था वही बंद करे, वो दूसरा बोलेगा कि जिसके लिए चलाया था वो बंद करे। तो अगर संबंध का भाव ठीक नहीं है ना तो उसमें संबंधों में तो आदमी दुखी होता ही है, साथ साथ नेचर का भी शोषण करता है, नेचर का भी दुरुपयोग होता है। लेकिन अगर परिवार में या समाज में ऐसे परिवार हों जिनके अंदर सही समझ और सही भाव है तो एक तो ये जीते हुए खुद तृप्त रहते हैं और सुविधाओं का भी सदुपयोग कर पाते हैं, नेचर के साथ भी तालमेल पूर्वक जी पाते हैं। तो ठीक से देखने जाएं तो चार पे काम हो सके इसके लिए तीन नंबर पे यानी कि समाज में अभय पे काम होना जरूरी है, और चार और तीन पे ठीक ठीक काम हो सके इसके लिए एक और दो का पूरा होना जरूरी है। तो अगर एक और दो को हम ठीक से कर लेते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो तीन और चार पर काम करना बहुत आसान हो जाता है, सहजता से हम कर पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक बात है। इतने को लेके अगर किसी का और कोई ऑब्जर्वेशन है तो शेयर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये डिजायर्ड है, ये हम चाहते हैं, ये हमारी सहज स्वीकृति है। लेकिन आज के दिन क्या चल रहा है, अगर आज के दिन समाज में देखने जाएं तो एक एक विद्यार्थी को, एक एक बालक को, एक एक मानव के सही समझ और सही भाव के साथ जी सके इसके लिए समाज में प्रयास चल रहा है, या फिर समाज में शिक्षा के तहत हम बहुत सारी मान्यताएं दे रहे हैं, चाहे शिक्षा के तहत दे रहे हैं या और किसी सिस्टम के तहत दे रहे हैं, समाज में मान्यताएं दे रहे हैं। और कई सारी मान्यताओं में से एक मान्यता ये है कि पैसा ही सब कुछ है, और अब तो ये बोलचाल की भाषा में रहता ही है, बाप बड़ा नाम भैया सबसे बड़ा रुपया। तो क्या है ये वास्तविकता है या एक मान्यता है? तो ये एक मान्यता है ना। ये एक एक व्यक्ति में मान्यता पहुंच जाए इसके लिए बहुत सारे हमारे तंत्र काम कर रहे हैं, कि जानबूझ के ऐसी मान्यताएं पहुंचा रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अनजाने में, अनअवेयरनेस के कारण, इस लक्ष्य मानव लक्ष्य को नहीं पहचान पाने के कारण
इस तरह की मान्यताएं जो हैं वो समाज में व्याप्त होती जाती। तो समाज में जो बड़े लोग हैं उनके अंदर तो ये मान्यताएं हैं ही, लेकिन बच्चों में भी जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, स्कूल में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, घरों में होते हैं, उनके अंदर भी ये मान्यताएं घर करने लगती हैं। चाहते क्या है? चाहते हैं परिवार में समृद्धि हो, लेकिन आज के दिन परिवारों की मानसिकता क्या है कि समृद्धि का भाव हो, आवश्यकताओं की पहचान हो, उससे ज्यादा सुविधाओं की उपलब्धि हो, या फिर सुविधा संग्रह हो, और वो भी किसी भी तरीके से। क्या लगता है? आप चैट में भी लिखकर अपनी बात रख सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, है ना। और ये जो भाव है सुविधा संग्रह का, ये सभी के लिए हो रहा है या कुछ लोगों में, कुछ परिवारों में, कुछ व्यक्तियों के लिए ये किया जा रहा है या हो रहा है? मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी, लगता है गलती से हो गया जी। तो चाहते क्या है, चाहना क्या है? हर परिवार में समृद्धि हो, लेकिन समाज में क्या चल रहा है? सुविधा संग्रह, है ना। तो इसी के अर्थ में जो है समाज में एफर्ट किया जा रहा है। समाज में चाहते क्या है? समाज में जो है वो अभय हो, विश्वास का भाव हो, है ना। लेकिन चल क्या रहा है? तो शोषण दिखाई देता है, दमन दिखाई देता है, शासन दिखाई देता है, भय दिखाई देता है ना, ये चलता है समाज जी। डॉक्टर समीरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इसको इस तरह से देख पा रही थी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते चले आ रहे हैं और हमारे जितना हमारा डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये सब बातें आई हैं। पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को जब देख रही हूँ मैं, तो जब हम परिवार पे बात करते, केंद्रित करते, मैं और मेरा परिवार अगर वो ठीक हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, तो हम बाकी चीजों को भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि मैं और मेरा परिवार, तो हम एक तरह से एकल परिवार में अपने आप को फोकस करके बैठ जाते हैं, ज्यादातर लोगों का ये दिखाई दे रहा है। और फिर वो उससे बाहर अभय या समाज के लिए या प्रकृति के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत उनका मतलब परिमार्जित नहीं होता, एक सभी के लिए नहीं होता है। उनका वो जो पहला वाला थॉट है मैं और मेरा परिवार, वो ब्रॉड नहीं होता। तो हम मतलब क्या हम अभी ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं ये उसी तरह की काम कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी बातें थी उसको सबको हमने ओवरलैप कर लिया और हम बिल्कुल फोकस करते हुए स्वयं पे आ गए और सिर्फ मैं और मेरे परिवार पे रुक गए हैं, तो हमको इस तरह के कामों की फिर जरूरत पड़ी कि हम लोगों को अवेयर कर पाए। तो ये इस तरह से मैं इसको देख रही हूँ कि ये कहाँ तो हम पूरा परिवार, पूरी जिसको हम खानदान कहते थे, हर किसी का विचार करते थे, और एक अगर परिवार में पढ़ लिख जाता था तो वो अपने सारे नाते रिश्तेदारों को, इवन गांव के लोगों को भी शहर में अपने साथ बुलाकर रख के पढ़ाता था। तो वो परंपरा हमने खत्म करते हुए आगे हम फिर वहीं आ गए। तो इस पे थोड़ा सा विचार चाहते हैं। ठीक बात है। देखिए क्या है, वो जो परिवार का हमारा जो नोशन था ना, है ना, तो जैसे मिनिमम तो पूरे गाँव को परिवार कहा जाता था, या कई बार तो कुछ क्लस्टर्स को परिवार कहा जाता था, ये बहुत छोटा होने लग गया। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर मान्यताएं बढ़ी और सही शिक्षा का काम नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे ये मान्यताओं के घर करने से व्यक्ति का जो परिवार का नोशन था वो बहुत छोटा होने लग गया। और अब तक तो संयुक्त परिवार की बात तो बहुत दूर, अब तो एकल परिवार। और एक और बड़ी मजे की बात जो है, अभी पहले दिन शाम के समय प्रोफेसर एम पी पुनिया जी आए थे, जो AICTE में वाइस चेयरमैन है। तो जब वो चंडीगढ़ में कार्यरत थे तो वहां पे एक चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पे इस तरह की बात चल रही थी संयुक्त परिवार और एकल परिवार की। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे भाई साहब, आप बड़े शहरों का तो हाल छोड़िए, यहाँ पर तो अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं ना, तो आप इसी को संयुक्त परिवार कहिए, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ और हो नहीं सकता, है ना। तो क्या है कि जितना जितना हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, जितना जितना हम, है ना, अपने को बाकी समाज से, बड़े परिवार से अकेला देखते जा रहे हैं, उसके कारण ये सारी समस्याएं जो हैं ये पैदा हो रही हैं, जन्म ले रही। तो ये देखना जरूरी है, ये समाज कोई अलग चीज नहीं है, ये मेरा एक बड़ा परिवार है, ये दिखना जरूरी है। जबकि देखिए समाज में हमारा जीना हो ही रहा है, समाज से हम बहुत सारा लेन देन करते ही रहते हैं, बट क्योंकि हमारा हमारी समझ उस रूप में विकसित नहीं हो पाई है, तो हम समाज को अपने परिवार के रूप में नहीं देख पाते, है ना, और उसको बहुत छोटे उसमें देखते हैं। मेरा परिवार, है ना, मेरी गाड़ी और मेरी नौकरी, मेरा कैबिन, अभी तो देखिए धीरे धीरे इससे ऊपर हम नहीं देख पाते। जबकि अगर ये सारी जांच परख अगर हम अपने अंदर करने लग जाएं, तो धीरे धीरे ये ध्यान में आएगा कि ये जो परिवार है, परिवार असल में वही होता है जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे के पूरक हो पाते।
अगर अपने ही परिवार में लोग एक दूसरे के साथ संबंध नहीं पहचान पाते, पूरक नहीं हो पाते, तो वो भी परिवार नहीं है ना, वो भी बायोलॉजिकली ही हो गया सारा। तो परिवार तो उसी को कहा जाएगा जहां पर लक्ष्य के अर्थ में है ना, निरंतर सुख के लक्ष्य के अर्थ में है ना, लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध पहचान पाते है ना। इस सेंस में ही मैं जब बात शुरू की थी तो ये कह रहा था कि ये जो परिवार है ना, जिसको हम अपना परिवार कहते हैं, ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जीना तो हमको बड़े परिवार में होता है, तो ये जो बड़े परिवार की जो अवधारणा है, अगर ये हमारे ध्यान में आ जाए तो फिर हम अपने बच्चों की, अपने विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वो इसी अर्थ में करेंगे कि उनको जीना तो बड़े परिवार में ही होगा है ना, या होना है ना। उस अर्थ में ये जो छोटा परिवार है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ पर अपनी समझ को विकसित करके, अपने भावों के विकास को पूरा करके जीना एक बड़े परिवार, इस अर्थ में अगर हम देख पाए तो मुझे लगता है कि हम खुद भी एक बड़े परिवार के साथ है ना, विश्वास के भाव के साथ जी पाएंगे और अगली पीढ़ी को भी इसी अर्थ में तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अभय जी का भी वो है माइक और लखन जी भी हैं। तो, जी जी, मैं लखन असाटी बोल रहा था। जी जी, ये जो एकल परिवार के लिए क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है? किसी दार्शनिक को मैंने सुना है, उसका कहना है कि अधिक पढ़ा लिखा आदमी अधिक स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो जाता है। भाई देखिए, तो वही है, वो पढ़ा लिखा ही है, शिक्षित नहीं है, है ना। अब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी ठीक से देखें ये जो संबंध की है या सही समझ की बात है, ये अभी शिक्षा के केंद्र में नहीं है। तो जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम खाली स्कूली शिक्षा या कॉलेज यूनिवर्सिटी की शिक्षा की बात नहीं कर रहे। शिक्षा वहीं पर होती है जहाँ पे विद्यार्थी में, बालक में, बच्चों में है ना, संस्कारों का विकास किया जाता है ना, यानी सही समझ, सही बात को विकसित करने का प्रयास होता है। वो स्कूलों में भी हो सकता है ना, फॉर्मल एजुकेशन में, वो घर में भी होता है, वो गाँव में भी किया जाता है ना। तो शिक्षा जो है थोड़ा अब हम बड़े संदर्भ में देख रहे हैं, जहाँ पे स्कूल में तो किया जा रहा है, कॉलेज में भी है ना किया जाना है, लेकिन पहली शिक्षा तो परिवार में हो रही है, माता पिता के साथ, फिर उसके साथ वो गांव में हो रही है, उसके साथ स्कूल, उसी कड़ी में स्कूल और कॉलेज भी जो है ना, बच्चे के अंदर सही समझ को विकसित करने के सिस्टम है। तो शिक्षा और ये जो लिटरेसी है, जिसको पढ़ा लिखा होना बोल रहे हैं, इसमें ही हमको ना भेद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो तो लिटरेसी पे हो गया है ना, पढ़ा लिखा होने पे हो गया, जबकि शिक्षित होना नहीं है। असल मायने में शिक्षा क्या होगी? जो व्यक्ति को समझदार बनाए, जो व्यक्ति को जिम्मेदार बनाए, जिस व्यक्ति में, विद्यार्थियों में, व्यक्ति में भावों का विकास हो, यही शिक्षा हो। लेकिन आज के दिन अगर हम अपने विद्यार्थियों को देखें तो वो शिक्षा हो रही है या लिटरेसी हो रही है, साक्षरता हो रही है? तो इन दोनों में अगर हम भेद कर पाए ना, तो आज के दिन जो शिक्षा में कमी है, चाहे वो अपने परिवारों में हम नहीं कर पा रहे काम या स्कूलों में फॉर्मल एजुकेशन, हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी ठीक है लखन जी। रमेश भाई साहब, हाँ जी जी, जी। मेरा ऐसा मानना है शिक्षा को दोष देना मैं शायद उतना पर्याप्त नहीं समझता हूँ। जहां तक आर्थिक तौर पर संबंधित हो जाने के लिए एकल परिवार में विघटन, संयुक्त परिवारों में एकल परिवार के रूप में विघटन का रूप आया है। क्यों? शिक्षित व्यक्ति ही नहीं, व्यापारी वर्ग में, किसान वर्ग में, जो अपने समाज में अपना एक स्थापित स्थान बना चुके हैं, उन सभी में एकल परिवार की ओर मुड़ना हुआ है। तो शिक्षित लोग ही नहीं हुए हैं, समाज के वर्ग भी हुए हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। किसान परिवार उतना पढ़ने लिखने टेक्नीशियन नहीं बन पाया, ना व्यापारी, ना समाज सेवा से जुड़े हुए लोग। मेरे ख्याल से आर्थिक संबलता जो है लोगों की पारस्परिक निर्भरता और प्रेम के लिए कम करती हुई, उनके लिए स्वावलंबीपन बनाने के लिए एकल परिवार को मोड़ दी गई है। थैंक यू भाई। तो उससे भी वो काम हो पाया क्या? वो जो आर्थिक संपन्नता का काम भी है वो हो पाया क्या? उसको भी अब हम एक बार मूल्यांकन करेंगे है ना, धीरे धीरे जब और चर्चा करेंगे तो ये ध्यान में आएगा। ये जो जब संबंध में आदमी टूटता है तो उससे आर्थिक संपन्नता भी आती है या आर्थिक गिरावट ही आती है अल्टीमेट? जैसे अगर मैं जहाँ से बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं पंजाब में कपूरथला जिला है, जालंधर के पास, वहां से बात कर रहा हूँ, और अगर मैं जिस गांव में बैठ के अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखूँ, तो ये जिन लोगों का गांव है और उसमें भाई भाई जो आपस में हैं,
तो दो भाई का झगड़ा हुआ या तीन भाई का झगड़ा हुआ तो तीनों ने अपना खेती के लिए अलग अलग ट्रैक्टर ले, जबकि ठीक से देखें तो तीन ट्रैक्टर हो गए, जबकि तीनों की जमीन चार चार एकड़ जमीन है तो 12 एकड़ जमीन है ना। तो जबकि एक ट्रैक्टर कितना खेत जो सकता है, तो कम से कम 40 से 50 एकड़ और बल्कि उससे ज्यादा। अब जब संबंध का भाव नहीं रहा तो जब परिवार टूटे तो अब हर परिवार को एक एक ट्रैक्टर रखना पड़ गया। तो सही मायने में देखें तो आर्थिक संपन्नता कहाँ आई, वही काम जो सुखपूर्वक समृद्धि पूर्वक एक ही परिवार में हो सकता था, अब वो लोन लेके जो है बहुत सारा करना पड़ गया है ना। तो ठीक से देखें तो जब संबंध टूटता है ना, तो उसमें संबंध टूटने के बाद दोनों जगह के लोग जो है वो सुखी हो पाते हैं नहीं हो पाते, ये सब हम विचार करेंगे, इस पर अब हम सोचेंगे, इस पर अब हम जांच परख करेंगे है ना। तो ये सब मुद्दे भी हैं अब ध्यान देने के लिए। तो शिक्षा को दोष देना है ना ठीक पूरा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के पास ये जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति को समझदार बनाए, वो विद्यार्थी को समझदार बनाए, वो विद्यार्थी को सुखपूर्वक जीना सिखाए है ना। तो उस काम को हम शिक्षा में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो शिक्षा का मतलब अब फॉर्मल शिक्षा की बात नहीं हो रही, अब दोनों तरह की शिक्षा की बात हो रही है, परिवारों से मिलने वाली शिक्षा, ग्राम समाज से मिलने वाली शिक्षा या फॉर्मल शिक्षा, दोनों को ही जोड़ कर देख। जी जितेश जी। जी थैंक यू। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी थैंक यू भैया। हाँ मैं बस दो चीज शेयर करना चाहूंगा अपने जीवन से। एक तो मैं जब बचपन में था तो बचपन में जो आपने कहा प्रतिस्पर्धा, वो चीज मेरे जीवन में तब आई जब मैं 5th, 6th, 7th, 8th इस स्टेज तक पहुंचा, तब मेरे जीवन में आई। और उसके पहले तक मेरे परिवार ने कुछ ऐसे संस्कार दिए थे जो कि हम इस वर्कशॉप में या जो बातें करते हैं वो संस्कार हमारे परिवार ने दिए थे मुझे जी। लेकिन जैसे ही मैं 8th, 9th में पहुंचा तो मैं भूलता चला गया और मुझे लगा कि वही जीवन सही है जो वो दिखाया जा रहा है वहां पे जी। और उसके बाद कॉलेज गए तो और भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए जी। पर फिर अभी मेरी उम्र 30 साल है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इससे पहले, उसके बाद मैं राजानंद संस्थान से जुड़ा और अभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शिक्षा, अभी मैं सोच रहा था बहुत देर से कि शिक्षा नीति या शिक्षा की वजह से नहीं हुआ है ये, एक्चुअली जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनके उनके समाज ने उनके मन में डाल रखा है कि ज्यादा पैकेज कमाओगे तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा, या सिविल सर्विसेज करोगे तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा, या तुम इतने ये नौकरी पाओगे तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। पर इवन मैं अपने अपनी सोसाइटी में जहां मैं रहता हूँ वहां पे भी लोग मुझे कहते हैं कि तुम यार बीटेक किया था तुमने, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे लेकिन अब ये कैसे कर रहे हो। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन में और ये चीज, ये आश्वासन मुझे केवल और केवल तभी मिलता है जब मैं राजानंद संस्थान के लोगों से बात करता हूँ। इतने लोग जो अभी 60 लोग हैं, इनमें से मैं किसी से भी बात करूंगा तो ये यही कहेंगे कि हाँ ये आश्वासन हम सभी लोग एक दूसरे को देते हैं कि ये हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे लेवल का काम है और हमारे डायरेक्टर सर सब लोग सपोर्ट करते हैं इन चीज में। पर जैसे ही समाज आता है, बड़ा समाज, वो दूसरे एंगल से देखता है और मुझे अभी डिफ्रेंशिएट कर पाया मैं अभी तुरंत कि शिक्षा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समाज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो दिखाता है भौतिकवाद या फिर और वो बच्चों में डाल देता है कि इतना पैकेज कमाओ, ये नौकरी पाओ, ये करो वो करो। तो शायद मुझे ये चीज बस शेयर करनी थी आपसे। जी जी ठीक बात है। तो अभी देखिए अभी हाँ, एक तो लंच का समय हो गया है, बस एक मैं आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करके फिर हम लोग रोकेंगे ना भाई। तो देखिए क्या है, अभी वो जो पिछले सेशन में कुमार सर जी बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे, इसीलिए कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ये इम्पोर्टेंट है। कम्प्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग अगर हमारा ध्येय नहीं बनता तो होता क्या है, कुछ चीज़ें अगर हमको विरासत में या बड़े होने में अपब्रिंगिंग में जब मिल गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी और मान्यताएं भी हमारे बड़े होने के क्रम में हावी हुई हम पर, जो हमारे पहले के ठीक संसार थे उसके ऊपर कंट्राडिक्शन थी या उस पर सुपर इम्पोज कर गई। तो फॉर एग्जाम्पल हमको ये मिला कि भाई लालच नहीं करना है ना,
लेकिन जब समाज में हम आए या जब हम धीरे धीरे बड़े होने लग गए तो हमको धीरे धीरे इस तरह की मान्यताएं भी मिल गई कि जीने का मकसद तो बहुत पैसा कमाना है या दुनिया से आगे निकलना है ना, या सम्मान पाना है, नेम और फेम पाना है। तो जब हमारे अंदर ये ध्येय नहीं बन पाता ना कि हमको श्रेष्ठ होना है ना, कंप्लीटनेस होना है, राइट अंडरस्टैंडिंग का, तो कुछ चीजें तो हमारे अंदर ठीक होती हैं, लेकिन कुछ संस्कार जब हमारे अंदर डंप हो जाते हैं विदाउट वेरिफिकेशन, बड़े होने के क्रम में है ना, समझदार होने के क्रम में या आगे है ना, आगे बढ़ने के क्रम में, तो कई बार हमारे एक संस्कार के ऊपर हमारे बाकी के कुछ संस्कार ओवर पावर कर जाते। इस कारण से क्या है, बचपन में जो हमको बहुत चीजें ठीक लगी भी थी वो आगे चल के धीरे 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 डाइल्यूट होगा। इसीलिए महत्व इस बात का है कि ये ध्यान में आए कि जो जीवने का मकसद है वो तो निरंतर सुख है। तो निरंतर सुख होना कैसे है, तो सही समझ और सही भाव से। समझने का जो पूरा दायरा है वो कितना है, तो ये पूरी है ना, स्वयं से लेके परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना और इसके अनुरूप जी पाना। तो अब हम जब ये सब बात कर रहे हैं तो अब ये अगर ध्यान में आ जाए कि कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग का काम होना है, ताकि एक एक मान्यता हमारे अंदर की ड्रॉप हो जाए और जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है ऐसा मैं जी पाऊँ। एक बार जो बात मैं सहज रूप से मुझे स्वीकार है उसको जी पाऊंगा ना, तो इस तरह से बाहरी मान्यताओं के दबाव से भी मुक्त होऊंगा है ना, और स्वयं में विश्वास के साथ जी पाऊंगा। तो जितेश भाई साहब, इतनी बात को कह के मैं रुकता हूँ, अभी समय भी हो गया है और हम लोग फिर जो है आगे 3 से 4:30 और बातचीत करें। धन्यवाद। तो दिलशाद भैया, मैं यहाँ रुकता हूँ। मोहित भैया जी, जी जितेंद्र भैया ठीक है, तो जो समय हम लोगों के पास था वहाँ पर अब हम लोग रोक रहे हैं यहाँ पर, और फिर पुनः हम सब लोग 3 बजे वापस जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बात यहाँ शुरू करते हैं। इसके पहले जितेंद्र भैया कुछ बात रख रहे थे, तो हम लोगों ने समाज में व्यवस्था पे चर्चा शुरू की थी, और ये 3 संभावनाएं देखती हैं कि साथ साथ रहें संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक से समाज कहेंगे, साथ साथ रहें परंतु परस्पर पूरकता का संबंध नहीं है तो भीड़ की तरह रह रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध का मैदान है। तो समाज में व्यवस्था का क्या अर्थ है, इस पर बात करेंगे। तो जब समाज के बारे में विचार करते हैं उसका थोड़ा ध्यान देते हैं कि समाज में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, समाज व्यवस्था का अर्थ क्या होगा। फिर 4 चीजें दिखाई देती हैं लक्ष्य के रूप में, कि हर मनुष्य के अंदर सही समझ, सही भाव हो, समाधान हो, हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में परस्पर अभय हो, विश्वास हो, और प्रकृति के साथ जुड़कर ठीक से जीना हो, ताकि प्रकृति भी हृष्ट पुष्ट बनी रहे और हम भी समृद्ध बने रहे। ये 4 लक्ष्य दिखाई देते हैं। इस पर कुछ आपका ओपिनियन लिया गया होगा कि 4 लक्ष्य वांछनीय है या नहीं, आवश्यक है या नहीं, है ना, इनको पूरा कर ले तो और भी कुछ आवश्यक होगा क्या, और क्या इनको, इनके पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं। तभी दिखेगा कि हमने ज्यादातर जो कार्यक्रम बना लिया है ना, वो इस प्रकार से बना लिया है कि हर व्यक्ति समझदार जिम्मेदार हो, ऐसा ना बनाकर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, लिटरेट हो जाए ना, हर व्यक्ति, अधिक से अधिक बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाए। तो समाज को केंद्र से हटाकर हमने पढ़ने लिखने को केंद्र में रख दिया है। वैसे हर परिवार समृद्ध हो ऐसा ना ध्यान में रखकर हर परिवार साधन संपन्न हो जाए उसके लिए काम करने लगे हैं। वो भी साधन संपन्नता तो हर परिवार में होगी नहीं। वैसे ही परस्पर विश्वास हो इसको ना बनाकर हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई हमारे से युद्ध करता है तो हमारे पास पर्याप्त सामग्री हो। और प्रकृति पे हम दोहन करने का, शोषण करने का, शासन करने का, दमन करने का प्रयास कर रहे हैं, बजाय इससे कि हम प्रकृति के साथ सहस्तित्वपूर्वक जी पाए। तो अगर हम क्रम देखें तो ये क्रम दिखता है, समाज में व्यवस्था के लिए काम करते हुए हर मनुष्य में सही समझ को पहले पूरा करेंगे, तब जाके परिवार में समृद्धि होगी। आवश्यकता की समझ तो यहीं से बनेगी, तब जाके समृद्धि का भाव आएगा, और परिवार ठीक से जिएगा सुख समृद्धि पूर्वक, तब समाज में अभय होगा। अगर कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ चूल्हा नहीं जलेगा ठीक से, है ना, लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तो यहाँ समाज में अभय नहीं होगा। और मनुष्य आपस में ठीक से नहीं जिएंगे तो प्रकृति के साथ जीना ठीक से नहीं होगा। तो ये क्रम दिखाई देता है। अभी की अगर स्थिति देखें तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई है, तो जहाँ हमने समाधान के बजाय पढ़ने लिखने को केंद्र में ला दिया, तो बहुत सारी मान्यताएं हमने परोस दी हैं। अगर बचपन से ही देखें
तो बच्चों के हमने मन में बैठा दिया कि धन ही सब कुछ है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। हमें तुम्हें दूसरों के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ना होगा, नहीं तो तुम जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ये जिंदगी एक दौड़ है, तुम सबसे तेज भागोगे तब तो तुम जी पाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे हमने उल्टी सीधी मान्यताएं बना दी है। यहाँ पे भी अगर हम समृद्धि की बात करें तो समृद्धि को ना कहकर हमने सुविधा संग्रह को केंद्र में ला दिया है, और वो भी किसी भी तरीके से कमाओ, अल्टीमेटली कमाना है तुम्हें, है ना। इसलिए आप देखिए तो इतने सारे हथकंडे बच्चे निकालते हैं, तरीके निकालते हैं। अभी देखिए साइबर क्राइम आ गया, नया क्राइम आ गया है ना। अभी ये क्राइम पहले नहीं था, अभी आया है। और ये साइबर क्राइम करने वाले कौन है? ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं जिनको कंप्यूटर एप्लीकेशन की पूरी जानकारी है, कंप्यूटर साइंस की पूरी जानकारी है, वही कर रहे हैं। जितने भी बड़े अपराध हो रहे हैं ना, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसके केंद्र में पढ़े लिखे लोग दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें जिस तरह का स्किल का यूटिलाइजेशन होता है, जिस तरह का स्किल का यूज होता है, वो तो बिना पढ़े लिखे हो नहीं सकता। वैसे ही समाज में देखें तो शासन, दमन, शोषण, भय, ये सब दिखाई देता है। और यहाँ पे देखें तो प्रकृति पे विजय करने का प्रयास चल रहा है कि हवा ठीक नहीं चले, हवा को मोड़ दो। यहाँ बादल बरस नहीं रहे हैं, यहाँ बादल को आर्टिफिशियली रेन करा दो। ये नदी बेकार इस दिशा में बह रही है, नदी की बदल दो, दिशा बदल दो बहने की, है ना। अब ये बहुत सारा ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे बेकार उगे हुए हैं, इनको काटो, यहाँ पे मैदान बना दो, मकान बना दो। तो अभी प्रकृति पे विजय करने का, दोहन करने का, शोषण करने का प्रयास चल रहा है। तो अब उसका जो फल परिणाम है कुछ ऐसा निकल के आता है कि अगर मनुष्य के अंदर देखें तो ये सारा उन्माद दिखाई देता है। एक उन्माद है भोग उन्माद, अधिक से अधिक भोग कर ले, मैडनेस फॉर कंजम्पशन, है ना, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन फॉर कंजम्पशन, अधिक से अधिक हम भोग कर ले जिससे हम सुखी हो जाएंगे। तो अभी देखिए हर इकाई, हर चीज में देखिए तो भोग का एक उन्माद मार्केट में जैसे प्रचलन में बढ़ रहा है। भोजन को लेकर देखें, कपड़े को लेकर देखें, साधनों को लेकर देखें, कितना भोग करना है निश्चित नहीं है। वैसे ही लाभ उन्माद, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में कितना लाभ कमाना निश्चित नहीं है, तो लाभ को बढ़ाते जाना है, कितना निश्चित नहीं है। वैसे काम उन्माद, अधिक से अधिक संवेदना मिल जाए, सुखी हो जाएंगे ऐसा मान लिया हमने, है ना, ये काम उन्माद कहलाता है। ये तीन तरह के उन्माद दिखाई देते हैं। समाज में देखे तो आतंकवाद, संघर्ष, युद्ध, ये सब दिख ही रहा है। अभी लगभग ऐसा हो गया कि हर देश 30% से 40% तक अपना जो जीडीपी का शेयर है वो युद्ध की तैयारी में लगाता है। अगर देशों के बीच में परस्पर सामंजस्य हो जाए, लय हो जाए, व्यवस्था हो जाए, तो जो 30% का बजट है वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मौलिक सुविधाओं में लगाया जा सकता है, अभी वो नहीं लग पा रहा है। वैसे ही यहाँ पे आप देखें तो प्रकृति पे विजय करने के क्रम में हमने ऐसा कर दिया है कि समस्याएं निकल कर आ गई हैं। संसाधनों का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई हैं अभी प्रकृति के साथ जोड़ के देखें तो। मतलब लोग इस पर बात करने लगे हैं कि अब धरती जीने लायक बचेगी कि नहीं बचेगी। अभी आप देखिए मार्स पे जाने की तैयारी हो रही है, कंपनी मतलब कॉरपोरेट सेक्टर इसमें आ गया है कि अब दूसरे प्लेनेट पे मूव किया जाए। ऐसा बात हो रहा है कि 2024 तक एलोन मस्क जो है वो मंगल ग्रह पे मनुष्य को उतार देंगे, है ना। अब इसमें पहले सरकारें काम कर रही थी, अब कंपनीज काम कर रही है, तो लोगों को लगने लगा है कि धरती तो ऐसे जीने लायक बचेगी नहीं, किसी दूसरी धरती पे जो जल्दी पहुंच जाएगा वो देश बच जाएगा। कभी हम यहाँ पहुंच गए, चाहते क्या है जो ऊपर लिखा है, मानव लक्ष्य पूरा हो, कर क्या रहे हैं जो नीचे लिखा है, मोर और लेस। ऐसा नहीं कह रहा 100% नहीं कर रहे हैं, बट मोर और लेस देखें तो प्रयास इस दिशा में चल गया है। फल परिणाम क्या है, हम खुद ही दुखी हैं, दरिद्र हैं उसके कारण। एक आपका रिफ्लेक्शन लेते हैं इस पे। ओहो एक मिनट, तो हम कहाँ प्रयास कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से पहचाने गए लक्ष्यों के साथ एक मानवीय समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, या वर्तमान समाज में किसी तरह जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं? जी आप इस पर रिफ्लेक्ट करिए, तब बात को आगे लेके चलते हैं। तो अगर स्वयं में थोड़ा जांच परख करेंगे तो पाएंगे ये हमारी सहज स्वीकृति है जो ऊपर लिखा है, मानव लक्ष्य, परंतु मान्यतावश संवेदनाओं के दबाव में हम कर रहे हैं कुछ ऐसा जो नीचे लिखा हुआ है। भाई जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, माइक अनम्यूट है उनका।
जी अभय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर गलती से हो गया। अच्छा कोई नहीं, ठीक। तो ये मान्यता संवेदना बस जीना कुछ यहाँ हो रहा है और ये प्रॉब्लम का सेल्फ में है। कोई आवाज आ रही है? ये प्रॉब्लम सेल्फ में है। ये हमको हर बार दिखाई देगा कि अल्टीमेटली समस्या जो है वो मैं में है। उस मैं में जो मान्यताएं बन गई हैं, भ्रांतियां बन गई हैं, संवेदनाओं का दबाव बन गया है, उससे कारण हम समाज में भी शोषण कर रहे हैं, प्रकृति में भी दोहन कर रहे हैं, है ना, संबंधों में भी अन्यथा भाव लेकर जी रहे हैं, अपने आप में हम सुख को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। तो काम तो सेल्फ पे होना है, अल्टीमेटली काम तो मैं पे होना है। तो अभी योग्यता की स्थिति है, ये बात हमको समझ में आ जाती है अगर, तो हमारा पूरा का पूरा समझ इसके आधार पर बन पाता है और हम फिर एक समाज की तरफ बढ़ पाते हैं, उसके लिए काम कर पाते हैं। तो अगर हम स्मार्ट लॉक्स की पूर्ति के लिए अगर कार्यक्रम को देखें तो हमको कार्यक्रम ही 5 आयाम में दिखाई देता है। तो इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम सुनिश्चित कर पाए तो ये मानवीय व्यवस्था का एक स्वरूप निकल कर आता है। कार्यक्रम क्या है अगर उसको देखें तो, यदि हमको हर व्यक्ति में समाधान यानी सही समझ सही भाव सुनिश्चित करना हो तो उसके लिए शिक्षा संस्कार पे काम करने की जरूरत है। वैसे अगर समृद्धि को सुनिश्चित करना है तो उत्पादन भी करना होगा, स्वास्थ्य पे भी काम करना होगा, क्योंकि तो संयम के भाव के साथ ही समृद्धि के लिए क्या सुविधा आवश्यक है, कितनी आवश्यक है, स्पष्ट हो पाता है। फिर हम उसको उत्पादन करते हैं जिससे हमारी सुविधा की आवश्यकता पूरी हो पाती है। तो अगर मैप करें तो समृद्धि की जो आवश्यकता है, समृद्धि का जो लक्ष्य है, वो 2 और 3 से पूरा होगा। वैसे अगर अभय को देखें तो न्याय व्यवस्था ठीक होगी। और इन सब के बारे में सोचने की जरूरत है कि प्रोएक्टिवली हम कैसे न्याय को सुनिश्चित करेंगे। देखिए 3 तरह से कार्यक्रम हम बना सकते हैं अपने जीने में। एक है प्रोएक्टिव, एक है एक्टिव, एक है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कोई दुर्घटना हो गई, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया और हम लड़ाई झगड़े के बाद मुकदमे चले गए और 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहे, ये रिएक्टिव प्रोग्राम हो गया। एक्टिव प्रोग्राम क्या हुआ कि जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो हमने समझना और संबंधों पर ध्यान देना शुरू किया ताकि आगे लड़ाई झगड़े ना हो और उसे नियंत्रित हो जाए, तो ये एक्टिव बना हुआ। प्रोएक्टिव क्या हुआ, हमको पता ही है कि समझ के अभाव में मनुष्य गलती करता है। तो अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो ये निश्चित है कि अगर संबंध की समझ नहीं होगी तो संबंध में कठिनाइयां होंगी। तो परिवार में प्रोएक्टिवली हम संबंध को समझने, संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास करेंगे, ये प्रोएक्टिव प्रोग्राम हुआ। अगर कोई बात हो गई उसको सुलझाएंगे, ये एक्टिव प्रोग्राम हुआ। सुलझाने के बजाय और उलझाएंगे और लड़ेंगे, ये रिएक्टिव प्रोग्राम हुआ। तो न्याय के लिए प्रोएक्टिवली क्या हो सकता है समाज में, विचार करने की बात है कि हम कैसे समाज में हर परिवार में, परिवार परिवार के बीच न्याय को सुनिश्चित कर पाएंगे, उसके लिए कौन से आयाम होंगे। इनफैक्ट इन 5 आयामों को देखेंगे इसमें काफी कुछ एक्सप्लोर करने को दिखेगा अपने को कि प्रोएक्टिवली कैसे शिक्षा संस्कार ठीक हो सकती है, कैसे स्वास्थ्य से हम तैयार हो सकते हैं। डॉक्टर का काम रोगों का इलाज करना है या पहले लोगों के अंदर संयम के भाव को सुनिश्चित करना है। उत्पादन किसी प्रकार प्रकृति का दोहन करके सुविधा उपार्जित करना है या परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करते हुए अपनी आवश्यकता पूरा करना है। न्याय कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी करना है या काउंसलिंग करना है, लोगों में समझ विकसित करना है ताकि आपस में कभी अन्याय ना हो। वैसे सुरक्षा का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे जब आप बड़े वर्कशॉप में आएंगे, अभी तो हम लोग सीमित बात करेंगे इस पे। तो प्रकृति के साथ हमारा जीना कैसे हो ताकि प्रकृति संवर्धित रहे, संरक्षित रहे, प्रकृति का सदुपयोग ठीक से हो, ये सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं, युद्ध करना नहीं, वो तो न्याय का मुद्दा है। दो देश आमने सामने तो गोला बारूद लेके खड़े हो जाएं और युद्ध करें, ये सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, ये तो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से निपटने के लिए प्रयास हो रहा है। तो सुरक्षा का मुद्दा तो ये है कि प्रकृति के साथ हमारा जीना ठीक से हो। अगर दो देशों के बीच में न्याय होगा तो आपस में ये गोला बारूद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसे युद्ध की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो देशों के बीच संबंध का जो मुद्दा है न्याय का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा प्रकृति के साथ है कि प्रकृति पहले से बेहतर हो जाए। वैसे विनिमय कोष है, अगर इसको पूरा करने जाए तो सुरक्षा के द्वारा हम देखें तो प्रकृति के साथ सहअस्तित्व सुनिश्चित होता है, और सहअस्तित्व को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य संयम पे काम करना, उत्पादन कार्य पे काम करना, ये भी जरूरी है। वैसे विनिमय को देखें तो विनिमय का मतलब है कि दो लोगों के बीच में सुविधा का आदान प्रदान एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के क्रम में, ये भी देखने की बात है कि कैसे विनिमय हो जिस विनिमय से समृद्धि भी सुनिश्चित हो और अभय भी सुनिश्चित हो। अगर विनिमय
कम से कम देकर अधिक से अधिक लेने के अर्थ में है तो उसमें तो ना तो समृद्धि होगी ना समाज में अभय होगा, क्योंकि तो छीना झपटी मचेगी। तो कैसे हम देन देन के भाव से एक दूसरे की पूरकता के भाव से विनिमय कर पाए। वैसे कोष का मतलब हुआ कि जब उत्पादन नहीं हो रहा है तो भी हमारे लिए वस्तु उपलब्ध रहे, इसके लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं कोष है। जैसे अभी धान पैदा हुआ लेट से, या गेहूँ पैदा हुआ हमने स्टोर करके रख लिया ताकि साल भर खा सकें, फिर धान पैदा हुआ हमने स्टोर करके रख लिया ताकि साल भर खा सकें, और दो वर्ष अच्छी बारिश होती है तीसरे वर्ष में अच्छी बारिश नहीं होती तो हमने इतना रख लिया कि हम तीसरे वर्ष भी खा सकें, ये कोष हुआ। कोष का मतलब ये नहीं कि हम इतना जमा कर लें जिसकी आवश्यकता ही ना हो। तो इन सारे आयामों को ठीक से समझने की जरूरत है। जितना जितना इसको समझेंगे ना समाज की व्यवस्था स्पष्ट होगी और समाज में हमको अपनी भागीदारी स्पष्ट होगी। तो हम में से कई लोग शिक्षा संस्कार से जुड़े हैं, कई लोग स्वास्थ्य से हम जुड़े होंगे, कुछ उत्पादन से जुड़े होंगे, है ना, हम अपनी भागीदारी देख सकते हैं। आपको ये भी दिखाई देगा कि इसमें मौलिक आयाम जो है शिक्षा संस्कार का है। अगर शिक्षा संस्कार पर ठीक से काम होगा तो जाके बाकी आयाम भी ठीक से चलेंगे। जी बताएं, इस पर कोई प्रश्न हो किन्हीं का तो उस पर प्रश्न ले लेते हैं, कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो। ये बात ठीक है सारी? अगर बात ठीक है तो आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है आपको, बात समझ में आ रही है। कृपया एक बार और थोड़ा धीरे धीरे उदाहरणों के साथ समझाने की कृपा करें। जी इनफैक्ट बहुत अच्छा रह रहा है कि इतने अच्छे संवाद हो रहा है, थोड़ा समय की सीमा बन जाती है। मैं फिर से रख देता हूँ। तो ये मानव लक्ष्य तो समझ में आता है, ये मानव लक्ष्य है यानी ये चार लक्ष्यों के साथ समाज में साथ साथ जीने की आवश्यकता है। उसको पूरा करने जाएं तो ये पांच आयाम दिखाई देते हैं, है ना, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य। तो शिक्षा संस्कार का मतलब हुआ जिससे व्यक्ति के अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य संयम पे हम लोगों ने बात किया था, तो व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य संयम का कार्यक्रम समझ में आता है। वही जब समाज में जाता है तो किस प्रकार जाएगा, जो हेल्थ सेंटर्स होंगे वो कैसे होंगे, स्वास्थ्य के केंद्र कैसे होंगे, वो रोगों के इलाज के लिए ज्यादा काम करेंगे या लोगों के अंदर संयम का भाव विकसित करने के लिए काम करेंगे। जैसा अभी हम लोगों ने एक कोर्स डेवलप किया है होलिस्टिक हेल्थ को लेकर, कि व्यक्ति के अंदर समझ विकसित हो स्वास्थ्य को लेकर, व्यक्ति को दिखाई दे समझ में आए कि स्वास्थ्य कैसे रहा जाता है। फिर सामयिक रूप से कभी बिगड़ गया स्वास्थ्य तो उसके लिए काम करेंगे, है ना। तो संयम के भाव से कैसे स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, इसके लिए समाज में एक आयाम होगा, एक व्यवस्था होगी उसके लिए। वैसे सुविधा की आवश्यकता को पहचानने के आधार पर और प्रकृति को समझने के आधार पर उत्पादन के लिए काम करेंगे। जैसे अभी हम शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, उन साधनों का उत्पादन सही विधि से हो पाए जिससे हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और प्रकृति भी समृद्ध हो जाए। जैसे अगर हमको खेती करना है, आवर्तनशील विधि से खेती करेंगे, है ना, तो खेती की ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिसमें हमको प्राकृतिक विधि से खेती करके आवश्यकता की पूर्ति भी होती है और प्रकृति भी बेहतर बनी रहती है। ऐसी विधियों को उजागर करेंगे, ऐसी विधियों को, है ना, ध्यान देंगे, समझेंगे। वैसे प्रोएक्टिवली कैसे परिवार में न्याय हो, परिवार के बीच न्याय हो, उसके लिए काम करेंगे। वैसे ही प्रोएक्टिवली हम देखेंगे कैसे प्रकृति के साथ हमारा जीना ठीक हो, है ना, ताकि प्रकृति के तरफ से जो भी कुछ अगर कभी कुछ ऐसी घटना हो गई, जैसे कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, आंधी आ गया, तो हम उसके साथ अपने जीने को ठीक से सुनिश्चित कर पाए और प्रकृति में इस तरह की मानवकृत दुर्घटनाएं ना हो उसको भी सुनिश्चित कर पाए। तो ये सुरक्षा के आयाम की जिम्मेदारी होगी। वैसे विनिमय कोष में देखें तो विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, तो ऐसे हम विनिमय करेंगे जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो और दूसरे की आवश्यकता भी पूरी हो। अभी विनिमय करते हैं तो लाभ उन्माद के अर्थ में करते हैं, लाभ उन्माद मतलब अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं, अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। इनफैक्ट अभी इसको पढ़ाते भी है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी पूरे इकोनॉमिक्स को देखिए तो कहाँ फोकस्ड है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। इनफैक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट करना है, परस्पर पूरक होना है। आपको दिखाई देगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अल्टीमेटली देखें तो सबका लॉस ही हो जाता है और लॉस का मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, क्योंकि जैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाते हैं और दूसरे पक्ष पे ध्यान नहीं देते हैं तो दूसरे का शोषण होता है, फिर दूसरा परेशान होता है, फिर परेशान होकर वो हमारे साथ चीटिंग और मैल प्रैक्टिसेस शुरू करता है, फिर हम उससे उभरने के लिए बहुत सारे संसाधन तैयार करते हैं और ओवरऑल देखें तो हम लॉस में चले जाते हैं।
तो कैसे ऐसे विनिमय हो जिसमें दोनों पक्ष तृप्त हों, दोनों की आवश्यकता भी पूरी हो, दोनों पक्ष भी तृप्त हों। ये सब मॉडल्स इवॉल्व करने के लिए है। इनफैक्ट ये तभी हो पाएगा जब व्यक्ति के अंदर समृद्धि का भाव होगा। समृद्धि के भाव के साथ जब विनिमय करेंगे तो दूसरे का पोषण करने की सोचेंगे, दरिद्र होकर विनिमय करेंगे दूसरे का शोषण करने की सोचेंगे। ये शोषण करने जाएंगे तो थोड़े समय तक दूसरा शोषित होता है, उसका हथियार उठा लेता है, फिर हमको हथियार बनाने पड़ते हैं। फिर अभी जो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे उसके बजाय प्रॉफिट एक मैक्सिमम शेयर जो है हमारा हथियार और युद्ध और इन समय चला गया, तो गड़बड़ हो गया, उल्टा सीधा हो गया, है ना। अभी आप देखिए अभी हम लोग कितने तरह के तंत्र बना लिए हैं, है ना, दूसरे मनुष्य से भय को नियंत्रित करने के लिए। उन सब में अपना एक फिजिकल फैसिलिटी तो इन्वेस्ट हो ही रहे हैं, सुविधाएं तो लगी रही है, पैसा तो लगी रहा है। ऐसी कोष का मतलब जो हम स्टोर करते हैं प्रोडक्शन को, इसलिए ताकि जब प्रोडक्शन ना हो तो हम उसका प्रयोग कर पाए। जैसे अगर भारतवर्ष को देखें तो भारत में दो वर्ष अच्छी बारिश होती है, तीसरे वर्ष में अच्छी बारिश नहीं होती है। तो बट यदि प्रकृति को देखें तो प्रकृति इतना पैदा करती है हमारे यहाँ कि एक वर्ष में जो उत्पादन होता है दो वर्ष खाने के लिए पर्याप्त होता है। तो अगर दो वर्ष में देखें तो चार वर्षों के खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तीसरे वर्ष में अगर अच्छी बारिश ना हो तो भी हमारे खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होती। अब ये जो हम बचा के रखते हैं ताकि जब उत्पादन ना हो पाए तो भी हमारी आवश्यकता पूरी हो, इसको कोष कहा। इसलिए हम संचय करते हैं। तो संचय और संग्रह दो अलग चीजें हैं। संचय मतलब आवश्यकता को ध्यान में रख के करते हैं तो संचय है, आवश्यकता को समझे बगैर करते हैं वो संग्रह है। ये ठीक है जी? बालवीर जी बताएं। ठीक, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। तो शिक्षा संस्कार को जब पूरा करने जाते हैं तो ये दिखता है कार्यक्रम के रूप में कि शिक्षा का मतलब मानव के होने के चारों स्तरों पर व्यवस्था की समझ हो जाए। इस समझ को जब विकसित करने जाते हैं तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझने का काम करते हैं, जिसको हम लोग पूर्ण समझ कह रहे थे ना। व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज, प्रकृति, अस्तित्व के स्तर पर व्यवस्था को समझने जाते हैं। जब समझ पाते हैं तो जी पाते हैं। तो जब चारों स्तर की व्यवस्था समझ में आती है तो चारों स्तर की व्यवस्था में जीना हो पाता है, उसके लिए हमारी निष्ठा बन पाती है, तैयारी हो पाती है, अभ्यास हो पाता है। तो शिक्षा में मुख्य काम तो पहले सही समझ को सही जगह प्लेस करना है ताकि बच्चों के अंदर समझ विकसित हो, फिर उसके आधार पर जीने की निष्ठा तैयार करनी है। ये कमिटमेंट बन जाए कि मुझे सही जीना है, संबंध पूर्वक जीना है, व्यवस्था पूर्वक जीना है, फिर उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं, फिर उसको जीने का अभ्यास कर सकते हैं। इसी क्रम में सभी स्तरों पर व्यवस्था में जीने के लिए कौशल सीख सकते हैं, तकनीक सीख सकते हैं। तो चाहे हम कोई साइंस का कोर्स करें, इंजीनियरिंग का कोर्स करें, फार्मेसी का करें, मैनेजमेंट का करें, मूल बात क्या होती है कि हमको व्यवस्था पूर्वक जीना है। अगर ये निश्चित हो जाए तो फिर साइंस का, इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का, मेडिसिन का, मैनेजमेंट का सदुपयोग है। अभी हम देख ही रहे थे ना कि अभी पैंडेमिक पीरियड में बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस निकल कर सामने आई। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुविधा संग्रह लक्ष्य बन गया है, लाभ उन्माद में चले गए कि अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो कोई रोगी आया है, उससे हमको अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो जब ये समझ होगी, ये संस्कार तैयार होगा, तब उस क्रम में कौशल और तकनीक ठीक से हम सदुपयोग कर पाएंगे। जब इसको सीखने जाएंगे तो पूरा, है ना, खेती से लेकर पूरा सैटेलाइट बनाने तक सीखेंगे, जो भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर हमको दूर श्रवण करना है, दूर गमन करना है, दूर दर्शन करना है, उसके लिए जो भी हमको संसाधन चाहिए उन सबका डेवलप करेंगे, सबको प्रयोग करेंगे, सबको उत्पादन करेंगे। परंतु ये ठीक से तभी होगा जब समझ को केंद्र में रखा जाए। जैसे ही हमने समझ को केंद्र से हटाया, समस्याएं शुरू हो गई। ये ठीक है? इस पर कोई प्रश्न हो बताएं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। तो शिक्षा संस्कार को देखें तो शिक्षा मतलब सही समझ विकसित करना, संस्कार मतलब सही जीने के लिए निष्ठा, तैयारी एवं अभ्यास। इस तैयारी में कौशल तथा तकनीक सीखना भी शामिल है। निश्चित मानवीय आचरण के साथ जीने की योग्यता का विकास हो पाता है और आदमी अनुशासन से आगे बढ़कर स्वानुशासन में जा पाता है। तो बच्चे के अंदर ये जब हम समझ को केंद्र में रखते हैं तो शिक्षा के द्वारा वो अनुशासन से स्वानुशासन तक जा पाता है। आवश्यकता क्या है अगर शिक्षा में देखें
तो सही समझ विकसित करना प्रमुख आवश्यकता है, अर्थात स्वयं से लेकर संपूर्ण सत्य की व्यवस्था की समझ हो जाए। सही भाव मतलब हर मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यता, यानी प्रेम पूर्वक प्रेम के भाव में जीने की योग्यता। और वैसे ही देखें तो समृद्धि के लिए सही कौशल का विकास होना, जैसे उसको देखें तो भौतिक सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाए हमको ठीक ठीक, और आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाए। कैसे हो जाए? आवर्तनशील विधि से उत्पादन। आवर्तनशीलता का मतलब क्या? कि प्रकृति में एक चक्रियता है, जैसे हमने खेती की, खेती से जो भी हमको मिला हमने खाया पिया, हमारा जो फीकल मैटर है वापस नेचर में चला गया, जो बाई प्रोडक्ट्स है खेती को सब वापस नेचर में चले गए, तो एक साइकिल बना हुआ है। अगर खेती और पशुपालन को साथ में जोड़ लें तो जो पशुपालन का वेस्ट है वो खेती में गया, जो खेती का वाटर प्रोड्यूस है वो पशुपालन में गया, दोनों जुड़ गए आपस में और पूरा हो गया। तो जब भी हम साइक्लिक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस की सस्टेनेबिलिटी होती है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस साइक्लिक नहीं है तो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। तो श्रम कर पाए और वो चक्रीय और परस्पर पूरक विधि से उत्पादन कर पाए, यह आवश्यक है। तो अगर हम शिक्षा संस्कार की बात करें तो इतनी बात होनी है। तो हम कोई भी कोर्स उठा के देख लेना, अल्टीमेटली वो शिक्षा और संस्कार से कनेक्ट होना जरूरी है। तो सही समझ विकसित हो और सही स्किल्स विकसित हो, और स्किल्स के साथ प्रोडक्शन करने का प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो। अभी की शिक्षा में देखें तो ये अभ्यास वाला भाग कम हो गया है, जो खुद से श्रम करके उत्पादन करने वाली बात है वो कम हो गई है ना। और सही जीने की निष्ठा तो नहीं बना पा रहे, सिंपली स्किल सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बस तैयारी करा रहे हैं। इधर से ये निष्ठा वाला भाग कम पड़ गया, अभ्यास वाला भाग कम पड़ गया। इसलिए भी कहते हैं कि भाई 90% बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। कई बार कंपनी की तरफ से फीडबैक आती है कि बहुत सारे काम का उनको अभ्यास नहीं है, उसको उत्पादन करने का अभ्यास नहीं है। तो ये पूरी बात रही शिक्षा संस्कार के बारे में, हम इसको थोड़ा और समझते हैं। तो जो शिक्षा संस्कार की एक सहज प्रक्रिया है जिससे बच्चे का विकास होता है, अगर उसको हम परिवार के संबंध के वातावरण में देखें कि परिवार में संबंध है आपस में, उभय सुख है, तो कैसे विकास होता है बच्चे का? तो बच्चा जो समझना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, वो हमारे अनुसरण से समझना सीखना शुरू करता है। सरण मतलब चलना, अनु मतलब पीछे पीछे। तो बच्चा माँ पिता को कॉपी करने से शुरू करता है, इमिटेट करने से शुरू करता है, जैसे भाषा, भाषा का एक्सेंट, खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, बोलने चलने का ढंग, सोने जागने का ढंग। अगर माँ पिता सभी देर से सोते हो, देर से उठते हो, तो बच्चे को देर से सोने, देर से उठने का अभ्यास हो जाता है। समय से सोते हो, समय से उठते हो, तो समय से सोने उठने का अभ्यास हो जाता है। बहुत स्पाइसी फूड खाते हो तो स्पाइसी फूड खाने का अभ्यास हो जाएगा। तो अनुसरण है ना, उसको इमिटेट करता है बच्चा। उसके आगे जैसे अगर देखें तो 3-4 वर्ष तक बच्चा इमिटेशन के साथ चलता है, और थोड़ी उम्र बढ़ती है तो बच्चे की कल्पनाशीलता भी विकसित होती है। तो बच्चा अनुकरण कर पाता है, अनुकरण मतलब वो आप चीजों को एनालाइज कर पाता है। जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चों को देखें तो उनकी एक्टिविटी सब चीजें दिखाई देंगी आपको। जैसे अगर 5-6 वर्ष से आगे 8 वर्ष तक अगर देखें तो बच्चे में ये अनुकरण वाली बात दिखाई देगी। जैसे माँ खाना बनाती है, रोटी बेलती है, तो बच्चा जाके देखता है कि रोटी बनाते समय कैसे बेला जाता है, कैसे बेलन घुमाया जाता है, कैसे रोटी बनती है। अगर पिताजी सफाई कर रहे हैं तो बच्चा देखता है कि झाड़ू कैसे चलाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है। तो सफाई करने का क्या अर्थ है, धीरे धीरे बच्चे को पकड़ में आती है बात। खाना बनाने में क्या कैसे किया जाता है, तो उसका जो एक एनालिसिस वाला पार्ट है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि बच्चे के शरीर में जो मेधस है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है, और मेधस करीब करीब 8-9 वर्ष तक जाकर पूर्ण विकसित हो जाता है। तो उससे पहले तक ये अनुकरण वाला भाग दिखाई देता है। उसके और आगे जाएं तो आज्ञा पालन दिखाई देता है, यानी अगर आपने कोई आज्ञा दी तो बच्चा उसको समझ पाता है कि इसका ये अर्थ हुआ। जैसे आप कहते हैं कि भाई अपने कॉपी किताब ठीक से रखा करो, अब उसको मतलब ठीक से रखने का मतलब क्या हुआ, कि स्कूल से आएगा तो कॉपी किताब को शेल्फ पे रखना है, बुक्स को कवर लगा के रखना है, पेंसिल को शार्पन किया तो उसका जो छिलका इधर उधर नहीं फेंकना है। अब ये बात उसको समझ में आ रही है, उसको एक पूरी आज्ञा देने से ही वो समझ पाता है कि कैसे क्या करना है। उसके और आगे जाएं तो एक अनुशासन पूर्वक जीने का अभ्यास बनता है। शासन का अगर वास्तविक अर्थ देखें तो व्यवस्था है, अगर सही मायने में देखें तो अनुशासन का मतलब है कि
जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं उसी व्यवस्था का वो अनुकरण करने लगता है। तो इसमें कल्पनाशील तो और विकसित हो जाती है। तब तक बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा होता है और विद्यालय में भी जाता है और वहां पे शिक्षक समझदार जिम्मेदार दिखाई दे, ठीक, अड़ोस पड़ोस में समझदार जिम्मेदार लोग हों, परिवार में समझदार जिम्मेदार लोग हों, तो अनुशासन में जब हम बच्चे को रखने का प्रयास करते हैं तो बच्चा उसको पकड़ पाता है, समझ पाता है और वहां से निकल स्वानुशासन में जाता है वो। यानी जब और बड़ा होता है, हायर एजुकेशन में जाता है, हायर एजुकेशन के बाद निकल कर वो अपना परिवार बनाता है, जॉब करता है, काम करता है, तो वो स्वानुशासन के साथ जी पाता है। ये संबंध पूर्वक जीने का क्रम हुआ। तो स्वानुशासन के साथ जीते हुए उसके अंदर एक स्वयं में विश्वास बन पाता है। अब इस क्रम में देखें, अगर तो एजुकेशन वाइज देखें तो विश्वविद्यालय में जा रहा होता है, जब अपने एक जॉब को शुरू किया तो समाज में जी रहा होता है, और संबंध पूर्वक जब उसका अपना एक परिवार बनता है ना, तो अगली पीढ़ी के साथ भी ऐसा एक क्रम दिखाई देता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक संबंध पूर्वक समझने का कार्यक्रम बना रहता है। तो मानने से शुरू करता है परंतु जानना तक पहुंच पाता है। और जानने की कुल बात क्या है कि स्वयं व्यवस्था को जान पाए, समझ पाए, परिवार व्यवस्था को जान पाए, समझ पाए, समाज व्यवस्था को समझ पाए, प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझ पाए। और हर नई पीढ़ी जो होती है पहली पीढ़ी से बेहतर ढंग से इस व्यवस्था में जीने को सुनिश्चित कर पाती है, नए स्किल्स को सीख पाती है, नए तरीके को याद कर पाती है। अगर हम परिवार में माँ पिता समझदार जिम्मेदार हैं तो ऐसा क्रम दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ चलें, अगर माँ पिता में समझ का भाव हो, टीचर्स में समझ का भाव हो, वातावरण उल्टा सीधा हो, तो ऐसा दिखाई देगा कि अनुसरण करता है बच्चा, देखता है कि गलत हरकतें हो रही हैं ना। हो सकता है पिताजी स्मोकिंग करते हो तो बच्चा भी देख रहा है कि स्मोकिंग कैसे किया जाता है, ठीक, तो गलत चीजों का अनुसरण होना शुरू हो जाता है। फिर अनुकरण में जाता है तो और उसको विश्लेषित करता है। आज्ञा पालन जब करने के लिए हम कहते हैं उसको, तो ऊपर से तो हाँ कह देता है, अंदर से उसका ना रहता है, क्योंकि उसके अंदर उस स्वीकृति नहीं बन पाती संबंध की। और जब परिवार में ऐसी अव्यवस्था देखता है तो वो विद्यालय की ओर देखना शुरू करता है और विद्यालय में देखता है कि यही सब चल रहा है। तो जब उसको अनुशासित करने का प्रयास करते हैं और वो जाँच परख करके पाता है कि नहीं, ये तो सही नहीं चल रहा, तो भले ही आपके दबाव प्रभाव में तो वो अनुशासन में दिखाई देता है, बट जांच परख में आपको तो ना समझ पाता है। तो जांच परख में पाता है कि आपका जीना गलत है। अब जब आपका जीना गलत है और आप उसको अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं तो उसके अंदर मनमानी बढ़ती है। मनमानी बढ़ती है तो आप शासन बढ़ाते हैं, फिर एक द्वंद्व शुरू होता है परिवार में। जब देखें, जब टीनेज में बच्चा आ चुका होता है तो बच्चे के अंदर मनमानी बढ़ रही होती है, क्योंकि उसने पहले परिवार की ओर देखा, वहां समाधान नहीं मिला, शिक्षक की ओर देखा, वहां भी समाधान नहीं मिला, तो फिर वो दोस्तों की ओर उन्मुख हो जाता है, दोस्तों की ओर देखना शुरू करता है। और दोस्तों की ओर देखता है तो दोस्त भी वैसे ही अपने घर में परेशान है ना, इन सब चीजों को देखकर, तो फिर दोस्तों का आपस में एक समूह बन जाता है जो बैठ के परिवार की, समाज की, विद्यालय की आलोचना कर रहे होते हैं। अब बच्चे के अंदर एक द्रोह का भाव पैदा हो रहा है, भले उसको बोल नहीं पा रहा बट एक अस्वीकृति बन चुकी है, ये लोग ठीक नहीं है ना, इनसे हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा, इनका जीना ठीक नहीं है, परंतु डिपेंडेंट है आपके ऊपर, क्योंकि आपसे ही उसको सुविधाएं मिल रही हैं, इसमें ज्यादा कुछ कहता नहीं है। परंतु जब विश्वविद्यालय में जाता है, उसको संभावनाएं दिखती हैं कि अब अपनी जिंदगी जी सकता है, तो उसके अंदर विद्रोह का भाव आ जाता है, फिर आपके कहना मानना बंद कर देता है। आप कुछ कहते हैं तो आर्ग्यू करता है, ठीक, आप एक बात कहते हो दो कह देता है, फिर हमको लगता है कि बच्चा हाथ से निकलता जा रहा है, ये कॉलेज क्या गया, यूनिवर्सिटी क्या गया है ना, इसका मन बढ़ गया है, इस पे समाज का प्रभाव आ गया है, और ये सब किशोरावस्था में दिखाई देता है। इसी में निकल कर जब बच्चा अपने जॉब में आ जाता है, अपनी कमाई शुरू हो जाती है, तो परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है ना। फिर अगर उसने पैसे से टीवी खरीद लिया, अपने पैसे टीवी खरीद लिया, तो फिर वही चैनल देखता है जो वो देखना चाहता है, आपको मना कर देता है। अगर उसने अपने पैसे गाड़ी खरीद ली तो बेहिसाब घूम रहा है, फिर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस को नहीं एक्सेप्ट करता है। तो इसी के क्रम में उसका अगर विवाह हो जाए तो घर में एक युद्ध मैदान बन जाता है। तो जैसे बेटा है और बहू लेकर आ गया, ठीक, अब जब घर में इतना सारा द्वंद दिखाई देता है तो कभी वो बहू की सुनता है, कभी वो माँ पिता की सुनता है। बहू भी कहती है हाँ तुम्हारे माँ पिता ठीक नहीं जी रहे, तो एक दो पक्ष बन जाते हैं परिवार में। फिर एक पक्ष होता है जो माँ पिता की तरफ से हो जाता है, एक पक्ष होता है जो बहू की तरफ से हो जाता है, बेटे की तरफ से हो जाता है, और ये
जो परिवार में चल रहा था वो परिवार समूह में चला जाता है, कुटुंब में चला जाता है, फ्रेंड फैमिली में चला जाता है। अभी दिखता है पूरे समाज में यही हो रहा है, फिर कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो जाता है। तो अगर समझ के साथ न जिया जाए तो हम अगली पीढ़ी को अपने से और बदतर बना देते हैं। तो हर नई पीढ़ी पहली पीढ़ी से कम विकसित हो सकती है, तो और अधिक अंतर विरोध आता है। अभी बच्चों में देखिए, जिसको मिलेनियल्स कह रहे हैं आज के दिन, तो बच्चों में बहुत सारा मनमानी शुरू हो गया है, द्रोह शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह के समाधान की उनसे हमसे अपेक्षा रही होगी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही। तो परिवार के साथ और अधिक विरोध में, समाज के साथ और अधिक संघर्ष शुरू होता है ना, और उसको तो लगता है कि ये प्रकृति और उसके भोग के लिए वस्तु है ना, उसके साथ जैसे चाहो उसको मिसयूज करो, उसको एक्सप्लॉयट करो। अब ये क्रम बन जाता है। तो अगर शासन के वातावरण में हम जी रहे हैं या बच्चे को रख रहे हैं तो ऐसा क्रम बनता है। अब ये देखने की बात है कि अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ होना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं, समझकर जी रहे हैं या हम बिना समझे बच्चों को कंडीशनिंग कर रहे हैं, मान्यताओं के दबाव में ला रहे हैं। तो सही समझ एवं सही भाव के साथ माता पिता एवं अध्यापकों के साथ अगर संबंध के वातावरण में जिया जाए तो ऐसा एक प्रारूप निकल कर आता है जीने का। ऐसा नहीं है, अगर अभाव है समझ का, भाव का, तो एक संघर्ष का वातावरण बनता है। और अभी देखिए इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, अगर बच्चों को बचपन से संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास ना हो तो शादी के बाद और बड़ी समस्याएं हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे विवाद हो जाता है। एक साथी ने अपने बताया कि पुणे में एक शादी हुई, यंग लड़के लड़की दोनों है ना हनीमून मनाने सिंगापुर गए, तो फ्लाइट में जब बैठे तो उनके बीच में कोई डिस्कशन शुरू हो गया कि तुम किस स्कूल से पढ़े, हम किस स्कूल से पढ़े। दोनों कॉन्वेंट से पढ़े थे, दोनों टॉप स्कूल से पढ़े थे। अब इस बात पे विवाद शुरू हो गया किसका स्कूल ज्यादा अच्छा है, कौन सुपीरियर स्कूल से पढ़ा है। अब वो बात स्कूल से उठ के माँ पिता पे चली गई, उनके आय पे चली गई, उनके पेरेंटल ट्रीटमेंट पे चली गई, और कहाँ से कहाँ चला गया, और सिंगापुर से लौटते लौटते दोनों डिवोर्स करने का निर्णय ले लिया। अब हम इतनी छोटी छोटी बातों पे परिवार को तोड़ लेते हैं है ना, अगर संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास ना हो। ये देखने की बात है कि अभी हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। तो शैक्षणिक संस्थानों में आज हमारे पास किस तरह का वातावरण है, संबंध पूर्वक पारिवारिक वातावरण जीने का है पूर्वकता के भाव के साथ आपसी विकास के लिए, या शासन और भय का वातावरण है, इनमें से कोई नहीं। इसको रिस्पॉन्ड करिए तब तक बात आगे लेके चलते हैं। तो मानवीय शिक्षा से क्या होगा, अगली पीढ़ी ज्यादा विकसित होगी, सही समझ सही भाव संपन्न होगी, जीना वैसा होगा। तो मानवीय शिक्षा से व्यक्तिगत परिमार्जन होगा, व्यक्तिगत परिमार्जन से सामाजिक परिमार्जन होगा, इस परिमार्जन को ही विकास कहना ठीक है। तो अभी जहां समाज ऐसा जी रहा है, इसे निकल कर ऐसा जी सकते हैं जैसा ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, बढ़िया, बात ठीक चल रही है, हाँ या ना में कुछ आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ये बात ठीक लग रही है जी, बहुत अच्छा। तो अगर अभी जो रिफ्लेक्शन दिया आपने अगर उसको देखें तो दिखता है कि ज्यादातर लोग देख पा रहे इस बात को कि अभी शासन और भय का वातावरण बना हुआ है। कई साथियों को ऐसा भी लगता है कि संबंध पूर्वक जीने का वातावरण है, अच्छी बात है, इसको हम देखना शुरू करें, जांचना शुरू करें। देखिए मुख्य मुद्दा उसकी समीक्षा करना नहीं है, वहाँ समाधान देना है, और हम समाधानित होंगे तब जाके हम समाधान दे पाएंगे समाज को भी। तो ये मानव लक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है, उसके लिए 5 आयाम दिखाई देते हैं, और उसके अगर हम विस्तार में जाएं तो परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक एक क्रम दिखाई देता है जीने का। तो अगर ऐसा देखें कि एक परिवार में 3 पीढ़ी साथ साथ रहे और औसतन एक परिवार में 10 लोग हैं, तो परिवार समूह में 10^2 मतलब 100 लोग हो सकते हैं। वैसे ही अगर 10³ देखें तो एक गांव में 1,000 लोग हो सकते हैं, ग्राम समूह में देखें 10,000 लोग हो सकते हैं। वैसे देखें तो 10 स्टेप्स में हम पूरे विश्व में
100 अरब मतलब क्या 10 अरब लोगों के लिए योजना बना सकते हैं। अभी विश्व की जो आबादी है 7.5 अरब के आसपास है। तो अगर हमको ये बात समझ में आती है तो इस एक सोपान की तरह एक स्टेप वाइज हम पूरे विश्व की व्यवस्था की प्लानिंग कर सकते हैं। तो परिवार में व्यवस्था हो, से परिवार समूह में व्यवस्था हो, से ग्राम में व्यवस्था हो, करते करते पूरे विश्व परिवार में व्यवस्था हो, तो विजन तो हमको क्लियर हो जाता है कि ये विजन है। तो देखेंगे ना कि हर कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में एक विजन बनाया जाता है कि विजन क्या है आपका, आप कैसा होना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं आज से 10 साल बाद। जैसे हम अपनी लाइफ का एक विजन बनाते हैं कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ, 20 साल बाद, 50 साल बाद, है ना, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ, एक विजन बनाते हैं। क्या हमारा अपना विजन ये कॉमन विजन हो सकता है? ये देखने की बात है कि हमारे लाइफ का विजन, हमारे इंस्टीट्यूशन का विजन, संस्थान का विजन ऐसा हो सकता है क्या? जी बालवीर जी कुछ कह रहे थे, लखन लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किए हैं। जी मुझे अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में शासन और भय का वातावरण क्या है। तो शासन और भय का वातावरण का मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चों के अंदर सही समझना तैयार करें तो हमें बहुत तरीके से उन पर नियंत्रण करना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरा लगा के रखते हैं कि कोई बच्चा अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, जैसे यहाँ मैं अगर एनसीआर में देखूँ, नोएडा में देखूँ, तो लगभग हर कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि बच्चा कोई भी गलती करता है उसको रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये भय का वातावरण है, शासन का वातावरण है। अगर बच्चों में हम ऐसा आचरण विकसित करें ताकि बच्चे अनिष्ट हरकतें ना करें, संबंध पूर्वक अपने मित्रों के साथ रहें, जो करने योग्य काम है उसको करें, तो ये वातावरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्यों इतना है, अगर आप देखें तो पहले एक समय था कि कई जगहों पे तो अटेंडेंस लगती नहीं थी, लोग खुद ही समय से जाते थे, समय से आते थे और काम करते थे। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस मार्क होने लगा, उसके बाद बायोमेट्रिक आ गया, फिर उसमें अटेंडेंस मार्क हो रहा है। अभी उसको भी डिफाई करने के तरीके आ गए हैं, तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है कि अल्टीमेटली आदमी ने खुद बायोमेट्रिक में अटेंडेंस मार्क किया, किसी और से मार्क करा दिया। अब इतना सारा नियंत्रण क्यों करना पड़ा, इतने सारे तंत्र क्यों विकसित करने पड़े अपने आप को? क्योंकि लोग स्व अनुशासित नहीं है, लोगों के अंदर सही समझ नहीं है। यही स्कूल कॉलेज में है, यही दफ्तरों में है, यही प्रशासन में है। अभी इतने सारे पुलिस चौकी क्यों खोलने पड़ रहे हैं, अभी इतने सारे है ना अपने को तंत्र क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग स्व अनुशासन में नहीं जी रहे हैं। तो समाज में जीते हुए स्व अनुशासन पूर्वक जीने कैसा हो वो समझना जरूरी है। जी ठीक है ना, मुझे जी जी मुझे आगे ये भी जोड़ना है, मंदिरों तक में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ रहे हैं। जी फिर कैसे ठीक होगा? तब ऐसे ही होगा, हर घर में लगाने पड़ रहे हैं कैमरे, तो कैमरे तो हर घर के बाहर लगते हैं। जी घर में लगाने पड़ रहे हैं। हाँ घर में लगाने पड़ रहे हैं, माँ पिता बच्चों पे कैमरे लगा रहे हैं, घर में नहीं घर के बाहर भी लगा रहे हैं, संख्या पर लगाने पड़ रहे हैं सभी जगह। भाई तो ये भय का वातावरण है ना, इसे लगाना पड़ा, शंका का वातावरण है, विश्वास का वातावरण हो, संबंध का वातावरण हो। देखिए अभी हमको समझ में नहीं आता, परंतु हम देखें तो हम पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, परंतु कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक चीजों में जा रहा है। ओवरऑल देखें तो हमने क्या नेट गेन किया उससे, ये लोग आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा समय कम है, नहीं तो और बहुत सारी बातें हम लोग करते। तो क्या लोग इससे डर रहे हैं मुझे कोई देख ना ले, ऐसा वही करते? वही देखिए, अगर हम स्वानुशासन में ना पहुंचे, जो अभी बात हो रही थी ना कि बच्चा एक संबंध के वातावरण में जीते हुए स्वानुशासन में जा पाता है, ये स्थिति है। अगर तो अगर परिवार में समझ नहीं है, शिक्षा में भी समझ का स्थान नहीं है, तो बच्चे को फिर शासन पूर्वक, दबाव पूर्वक एक आचरण की निश्चितता बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सब करना पड़ेगा आपको। तो ये तो फिर ये हुआ कि अगर कोई ना देखे तो मुझे कोई भय नहीं है, मतलब फिर मेरा ये दुस्साहस है। वही देखिए अभी तय करना होगा कि हम या मनमानी या विद्रोह में जिएंगे, मनमानी विद्रोह में जिएंगे तो शासन तो अनिवार्य हो जाएगा, या स्वानुशासन में जिएंगे। अगर आप थोड़ा सा देखें कि अगर संस्थान का हर इम्प्लॉय स्वानुशासन में जिए, तो एक समय के बाद सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फायदा नहीं रखने का। बायोमेट्रिक काम कर रहा नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग खुद स्व अनुशासन में जी रहे हैं।
तो जितना जितना हम स्वानुशासन में जिएंगे ये सब सिस्टम रिडंडेंट हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है तो लगा लें, अगर अभी लोगों में समझ नहीं तो लगा लें। करने का काम ये है कि ये रिडंडेंट हो जाए। जब आपस में समाज में लड़ाई झगड़े तो पुलिस चौकी रिडंडेंट हो जाएगी। आदमी पुलिस चौकी पे आएगा, सुबह शाम तक बैठेगा, एक भी काम नहीं करने के लिए, कोई लड़ाई नहीं कर रहा, झगड़ा ही नहीं कर रहा। तो हमको रिडंडेंट बनाना है इस तरह के सिस्टम्स को। अगर आपस में न्यायपूर्वक जीना हो तो कोर्ट कचहरी में क्यों जाएंगे मामले, जाएंगे ही नहीं। तो ये जो हमको एक दूसरे की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, दबाव डालना पड़ता है ना, नजर रखनी पड़ती है, भय पैदा करना पड़ता है, ये सब इसलिए क्योंकि समझ के लिए काम नहीं कर रहे। जी दो हैंड्स रेज हुए, नितिन जी। हाँ एक्चुअली मैंने ये देखा है कि गांव में अभी भी कैमरे नहीं हैं, और जहां भी कैमरे लगे हुए हैं वहां आवश्यकता से अधिक उन्होंने अर्जन किया हुआ है, इसलिए डर के कारण कि हमारा चोरी ना हो जाए ऐसा कुछ मतलब समझ के वो लगाते हैं। और अभी भी शहरों में मुश्किल से हमें लगता है 5% ही कैमरे लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, 95% अभी भी बिना कैमरे के काम चला रहे हैं। जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि तीन संभावनाएं हैं। एक तो कि लोग आपस में अनिश्चित आचरण से जी रहे हैं, भय का वातावरण है और कैमरे भी लगे हुए नहीं है। उससे बेहतर है कि अगर भय का वातावरण है तो कैमरे लगा दिए जाए, ताकि लोग कोई गलत हरकत होती है तो ध्यान में आ जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। परंतु जो डिजायरेबल है वो ये है कि लोग आपस में संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जिए, ताकि कैमरों की जरूरत ही ना पड़े। अभी भी परिवार में आप देखिए तो हमको बहुत जगहों पर सब नहीं करना पड़ रहा। माँ पिता संतान संबंध में अगर आश्वस्ति का भाव है तो नहीं करते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। परंतु अगर आश्वस्ति न हो, आपस में साथ साथ जीना ठीक ना हो तो सब करना पड़ेगा। अभी पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर कैमरे लगाते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब है, वो बता रहे थे कि वो काउंसलिंग करते हैं और हर तीन में से एक व्यक्ति ये शिकायत लेकर आता है कि हमें अपने स्पाउस पे शंका है कि उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसके कारण उसको तनाव हो रहा है, ये डॉक्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन गई है। जी अब लोग है ना खुफिया एजेंसी हायर करते हैं स्पाउस को मॉनिटरिंग करने के लिए, स्पाउस पे नजर रखने के लिए, और ऐसे सीरियल्स बन रहे हैं, ऐसे मूवीज बन रहे हैं जिसमें यही सब दिखाया जा रहा है। जी ठीक है, इससे और विवेचना हम लोग कर सकते हैं, है ना, और आगे चलते हैं। तो असाइनमेंट आज ये है कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसका कॉमन लक्ष्य क्या है, समान लक्ष्य क्या है, उसको थोड़ा सा देखना है, और क्या ये मानव लक्ष्य के लिए पूरा पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमने संस्था का लक्ष्य ही बना दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ह्यूमन गोल से मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये सब देखने की बातें हैं, समझने की बात है। अपनी संस्था के पड़ोस में सही समझ सही भाव सुनिश्चित करने के लिए आप और आपकी संस्था कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर हम लोग अपने विचार रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आनंद मंत्रालय खुद ही ये काम कर रहा है, परंतु जो हम लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में रखते हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिसमें आप एक गाँव अडॉप्ट करिए या फिर स्कूल अडॉप्ट करिए कॉलेजेस को कहा गया है, वहाँ ये बातें ज़्यादा रेलिवेंट भी हो जाती हैं। परंतु इस पर हम लोग सोच सकते हैं कि एक संस्था के रूप में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, आप में से कई साथी फैकल्टी हैं, तो संस्था के रूप में हम कैसे आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं, मानव लक्ष्य के अर्थ में काम कर सकते हैं। जी नैनवती जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपने कुछ सिंबल दिया है उसका अर्थ समझ में नहीं आया। नैनवती जी नो सर, कुछ नहीं कह रही मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बात यहाँ पूरी करते हैं हम लोग, आपके रिफ्लेक्शंस लेंगे थोड़ा। स्टेन हॉल का कथन है सर, एक एजुकेशन साइकोलॉजी में कभी विवरण आता है, स्टेन हॉल ऐसा कुछ नाम है शायद उसका। जी उन्होंने कहा था किशोरावस्था संवेग और तूफान की अवस्था होती है, तो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को भी युवावस्था को भी याद करूं तो सचमुच जो है वही जो उम्र होती है जब हमारे बच्चे यहाँ वहाँ हो सकते हैं उनकी विचारधारा, क्योंकि जब परिवार में समस्याओं का समाधान उन्हें नहीं मिलता तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि स्कूल में जाते हैं
और स्कूल में समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, वहां नहीं मिलता तो वो अपने बच्चों की कंपनी होती है तो वहां पे समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो सही हल मिल गया तब तो ठीक है उनकी सोसाइटी में, और सही हल नहीं मिला तो उनकी दिशा दूसरी हो जाती है। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि कम से कम माता पिता को एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए किशोरावस्था में, तो बच्चा हमारा ठीक ठाक रहेगा। थैंक यू। इनफैक्ट उसको थोड़ा क्वालिफाई करें तो एज अ फ्रेंड ना कहकर संबंध के भाव के साथ निर्वाह करें, ये कहना ज्यादा ठीक है कि हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहे, स्नेह का भाव बना रहे। जी तो आगे चलते हैं। तो ये सारांश के रूप में देखें तो इतनी बात की हम लोगों ने कि समाज परस्पर पूरकता के संबंध के साथ रहने वाले परिवारों से बना होता है, उनका एक समान लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य इस प्रकार से है कि हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव यानी सुखपूर्वक जीना हो जाए, हर परिवार में समृद्धि का भाव, समाज में अभय, प्रकृति से अस्तित्व में, प्रकृति अस्तित्व में सहअस्तित्व बना रहे। तो परिवार जो है समाज की मूल इकाई है, अर्थात परिवार समाज जो है परिवार, परिवार समूह, ग्राम परिवार, ग्राम परिवार समूह, ऐसे जुड़ते जुड़ते एक पूरा विश्व परिवार बन जाता है जहाँ हर व्यक्ति समझदार और जिम्मेदार होता है तथा समान मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी करते रहते हैं। समाज में प्रत्येक परिवार की भागीदारी के द्वारा 5 आयामों में समान मानव लक्ष्य सभी के लिए पूरा होता है और वो एक क्रम से दिखता है, परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो एक मानव परंपरा जन्म लेती है। फिर यहाँ से ये अगर हमको क्लियरली एक विजन में आ जाए तो हम फिर अपने हर कार्यक्रम को इस अर्थ में आकलन कर सकते हैं। ये 5 आयामों की हमने बात की, परंतु यदि वर्तमान सभ्यता को देखें तो काफी हद तक इस मान्यता पर आधारित है कि मानव बराबर शरीर और सुख मुख्य रूप से संवेदनाओं से मिलता है या दूसरे मानव से भाव पाकर मिलता है, इसलिए सामाजिक या आर्थिक समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इन सारी अव्यवस्थाओं के मूल में देखें तो भौतिक सुविधा का संग्रह, शोषण, ये सब दिखाई देता है। तो यदि हमको करप्शन की समस्या सुलझानी है तो उसका एक ही समाधान है कि व्यक्ति के अंदर सुविधा की आवश्यकता की सही समझ हो जाए, तो व्यक्ति करप्ट नहीं होगा। अगर वो नहीं है फिर हम चाहे जितने भी उसके ऊपर मेजर्स अप्लाई करें, करप्शन की समस्या दूर नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा प्रकृति की व्यवस्था बात शुरू करता हूँ, उसको भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। भैया पिछली स्लाइड बने रहने दीजिए स्क्रीन पर, जो आपका सार संक्षेप है। जी बस एक सेकंड। स्लाइड दिख रहा है? जी भैया दिख रहा है। जी जी दिख रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम सभी पूरे इन्वॉल्व होकर पूरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी समय की सीमा बन जा रही है तो अभी हो सकता है आपको लगे मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, इस बात को पूरा कर लेंगे 4:30 बजे तक। उसके बाद यदि किन्हीं को चर्चा करनी है तो मैं उपलब्ध रहूंगा, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ये सोचा गया था कि 4:30 बजे तक हम लोग सत्र को फॉर्मली क्लोज कर दें, कोई प्रकृति पे बात होनी शेष है तो उसको हम लोग यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपस में और विस्तार से चर्चा करेंगे। बट आप कभी भी अगर आपको आवश्यक लगता हो तो आप हैंड रेज कर लें, प्रश्न कर लें। तो प्रकृति व्यवस्था बात करेंगे और दिखता है कि प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं। ये थोड़ा सा इसको लिखने में व्यवस्था न करके इसको अवस्था कहना ठीक है। 4 अवस्थाएं हैं, परस्पर पूरकता का संबंध है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। तो अभी हम लोगों ने मानव का अध्ययन कर लिया, परिवार का किया, समाज का किया, प्रकृति का अध्ययन करेंगे और इससे स्पष्ट होगी प्रकृति मेरी भागीदारी क्या है। तो प्रस्तावना यह है कि हमने अभी तक अपनी सहज स्वीकृति को जांचने समझने का प्रयास किया और दिखता है कि हमारी जो सहज स्वीकृति है वो संगीत पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने के क्रम में है। व्यक्ति के स्तर पर देखें, परिवार के स्तर पर देखें, समाज के स्तर पर देखें, परंतु एक प्रश्न बन जाता है कि चाहते तो हम संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीना, बट जो पूरी प्रकृति है उसमें इसका प्रोविजन है कि नहीं, इसका प्राविधान है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि नेचर का डिजाइन ही गड़बड़ है, कि हम चाहते हैं रिलेशनशिप, नेचर के डिजाइन में स्ट्रगल है,
हम चाहते हैं हार्मनी नेचर के डिजाइन में डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और कई बार ये मान्यता बन जाती है लोगों के अंदर कि नेचर का डिजाइन ही गलत है। इनफैक्ट पशु पक्षियों को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर ऐसे निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं जो हम मनुष्यों पर आरोपित कर देते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा पौधा छोटे पौधे को खा जाता है, तो मनुष्य भी ऐसे ही है। अब ये बहुत मेजर इशू है, इसको हम लोग कभी अगर आगे आप रिफ्रेशर वर्कशॉप में आएंगे या हायर लेवल वर्कशॉप में आएंगे तो और विस्तार से बात कर पाएंगे, अभी तो संक्षेप में बात करेंगे इस पर। तो ये एक प्रश्न बन जाता है कि प्रकृति अस्तित्व में हमारी सहज स्वीकृति के अनुसार जीने का प्राविधान है कि नहीं, कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में संगीत पूर्वक जीना संभव है, क्या सह अस्तित्व परस्पर पूरकता प्रकृति में अंतर्निहित है, अथवा जो प्रकृति या अस्तित्व की रचना है वही विरोध पूर्वक है, संघर्ष पूर्वक है, ठीक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अनुसार है। अब हम इन प्रश्नों के साथ प्रकृति अस्तित्व का जो पूरी बनावट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न है जो लोगों की कल्पनाशीलता में रहते हैं, बहुत बड़ी प्रीकंडीशनिंग है, ये बहुत बड़ी मान्यता है। ये मैंने देखा बच्चे भी आपस में ऐसी बात करते हैं, वयस्क भी ऐसी बात करते हैं, तो नेचर को समझना इसलिए बहुत जरूरी है। और जो बात हम लोग कह रहे थे ना कि जब तक हम नेचर को ठीक से ना समझें, अपना भोजन जो हम रोज लेते हैं उसको भी समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भोजन प्रकृति से आता है। अगर प्रकृति की समझ ना हो तो भोजन की समझ कैसे होगी, क्या भोजन है क्या नहीं है, किसको हम भोजन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। तो हम लोग प्रकृति को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रकृति देखें तो इकाइयों का समूह है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, पशु पक्षी, ये सब मिलकर प्रकृति बने हुए हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, धातु, अधातु, है ना, ये सारे यूनिट्स हैं। हवा में इतने सारे कण हैं, पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, मिट्टी में इतने सारे कण हैं, इतने सारे पशु शरीर हैं, पशु हैं, है ना, मैं हूँ, आप हैं, ये सब इकाइयों को देखें, इनके समूह को जोड़कर प्रकृति कह रहे हैं। अब अगर इन इकाइयों को समझने जाए तो कैसे समझेंगे, तो एक सरल सा तरीका है कि उनको कुछ कॉमन आधारों पर हम कुछ अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो चार अवस्थाओं में इनको बांट के देखा जा सकता है। एक है फिजिकल ऑर्डर यानी पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी, हवा, पानी, धातु, अधातु, इस तरह की चीजें शामिल है। दूसरा है बायो ऑर्डर प्राण अवस्था, जिसमें पेड़ पौधे, है ना, इस तरह की चीजें शामिल है। तीसरा है एनिमल ऑर्डर जीव अवस्था, जिसमें कि आपके पशु पक्षी ये शामिल है। और चौथे हम लोग। तो पूरी प्रकृति को समझा जा सकता है। प्रकृति में इकाइयां तो अनंत है, परंतु इन अनंत इकाइयों में बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, जिसके आधार पर पूरी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो पूरी प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति में परस्पर पूरकता का संबंध है। इसको तो कई बार हम लोग करेंट जो हमारा स्कोप ऑफ स्टडी उसमें पढ़ाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाते हैं कि प्रकृति में परस्पर पूरकता का संबंध है। जैसे अगर पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को देखें तो दिखता है कि परस्पर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस प्रकार पूरकता है, तो एक चक्रियता दिखाई देती है। पेड़ पौधा कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से ना खड़ा हुआ, मिट्टी से। पेड़ पौधा एक समय के बाद वापस मरकर वापस मिट्टी में मिल गया, तो चक्रियता है। पेड़ पौधे से मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बन, जहाँ जंगल होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी, और जहाँ ज्यादा मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा जन्म लेंगे। तो चक्रियता भी दिखाई देती है और दिखाई देता है कि एक इकाई दूसरी इकाई को समृद्ध करती है। मिट्टी पेड़ पौधे को समृद्ध करता है, पेड़ पौधा मिट्टी को समृद्ध करता है। तो प्रकृति में एक परस्पर पूरकता का संबंध दिखाई देता है। परस्पर पूरकता का मतलब क्या हुआ, परस्परता भी है पूरकता भी है, साथ साथ जुड़े हुए हैं, मिट्टी और पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए पूरक हैं। एक महत्वपूर्ण बात है ये, उसको और थोड़ा सा देखेंगे तो अगर हम पशु पक्षियों को भी जोड़ ले तो यहाँ भी यही चीज दिखाई देती है कि मिट्टी, हवा, पानी जो है पेड़ पौधे को पुष्ट करते हैं, ये पेड़ पौधों को पशु खाते हैं, और पशु का जो फीकल मैटर होता है, जो उनका वर्ज्य पदार्थ होता है, वापस मिट्टी हवा पानी में जाता है, जिससे मिट्टी हवा पानी पुष्ट होता है, जिससे पेड़ पौधे पुष्ट होते हैं, और एक चक्र बना हुआ है। नहीं, आप एक जंगल को देखिए, जंगल अपने आप से हरा भरा रहता है। जैसे आपके यहाँ मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगल है, आप मध्य प्रदेश में होते हैं ना, सतपुड़ा के जंगल। जी जी
हम लोग ने कविता पढ़ी थी क्लास 7 या 8 में, सतपुड़ा के घने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, है ना, इतने घने जंगल है और एक जंगल को देखिए तो अपने आप से हरा भरा रहता है। अब छत्तीसगढ़ में चले गए कहलाए, अच्छा छत्तीसगढ़ में हो गए, तो हर जंगल को देखे तो उसमें 3 अवस्थाएं मिलेंगी और अपने आप से हरा भरा रहता है और एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। प्रॉब्लम तब आती जब मनुष्य आ जाता है यहाँ पे। अब इन 3 अवस्थाओं को देखें तो 3 अवस्थाएं हमारे लिए पूरक हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकता ये मिट्टी हवा पानी धातु अधातु इनसे पूरी होती है। अगर घर में अपने सामान को उठा के देखें तो इस पदार्थ अवस्था से आए हुए हैं, पेड़ पौधे से हमको बहुत कुछ मिलता है, भोजन मिलता है, पानी है, भोजन मिलता है और जिससे हमको शरीर का पोषण करने के लिए आवश्यक सुविधा मिलती है। पशु पक्षियों के साथ हमारा एक आवश्यकता पूरा होता है, ये हमारे लिए पूरक होते हैं। परंतु यदि हम अपनी भागीदारी को देखें तो मनुष्यों ने पदार्थ अवस्था को छीन कर दिया है, हवा को प्रदूषित कर दिया है, बहुत सारे खनिज लवण अब मिलते ही नहीं है। 2009-10 की बात है, मुझे ध्यान है कि उस समय कई फैक्ट्री में प्रोडक्शन को रोकना था क्योंकि स्टील मिलने बंद हो गए थे। स्टील का जितना प्रोडक्शन हो सकता है देश में, है ना, उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा था। अभी भी जितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि ओर्स कम हो गए हैं, तो अभी दूसरे देशों से मिनरल ओर्स लेने की बात हो रही है। तो हमने इनको छीन कर दिया, रिसोर्स डिप्लीशन कर दिया है, प्रदूषण कर दिया है। पेड़ पौधों की हालत तो देख ही रहे हैं हम कि जो फॉरेस्ट का कवरेज है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ऐसा बताते हैं कि कम से कम 17 या 18% होना चाहिए फॉरेस्ट कवरेज ताकि हवा शुद्ध रहे, अभी कई जगहों पर उससे भी कम हो गया है। भूटान में बता रहे हैं कि अभी जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 70% से ऊपर है, 72 या 73% है। और अभी इस पर विवाद चल रहा है क्योंकि फॉरेस्ट के नीचे वहाँ पे कहीं कोई बॉक्साइट का ओर मिला है और सरकार इस बात पे विमर्श कर रही है कि इस बॉक्साइट के ओर को निकाला जाए, अगर निकालेंगे तो कई स्क्वायर किलोमीटर जंगल तबाह हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम जीव अवस्था को देखें तो मनुष्यों ने मार मार के, है ना, बहुत सारे जीव जंतुओं को तो एक्सटिंक्ट ही कर दिया है। अगर आप रॉयल बंगाल टाइगर को देखें तो 1901 में इनकी संख्या 50,000 थी, 2001 में इनकी संख्या घटके 2000 से भी कम हो गई थी। अभी सरकार ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है तो इनकी संख्या बढ़कर करीब 3000 के आसपास आई है, तो हमने इनको एक्सटिंक्ट कर दिया है। तो मानव की अपनी भागीदारी देखें तो परस्पर पूरकता का अर्थ में नहीं है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, इन सब के लिए देखें तो ये 3 अवस्थाएं जो है ना ये हमारे लिए ज्ञान अवस्था के लिए पूरक है, समृद्धि कारक है। परंतु मानव जो है, जो ज्ञान अवस्था की इकाई है, समझ के अभाव में बाकी सब अवस्थाओं के लिए ये नुकसानदेह हो गया है, पूरक नहीं हो पा रहा, इनको भी छीन कर रहा है, आपस में लड़ मर रहा है, कट रहा है। परंतु मानव में जो सहज स्वीकृति है वो परस्पर पूरकता के लिए ही है। एक बार मानव को समझ में आ जाए बात तो अपने लिए भी पूरक हो सकता है, बाकी सारी अवस्थाओं के लिए पूरक हो सकता है। भैया आवाज कुछ ब्रेक हो रही है। अच्छा अभी आवाज आ रही है भैया, क्लियर आवाज क्लियर आ रही है भैया अभी? जी जी इससे आ रही है। अगर हमको बात समझ में आ जाए ना तो ये जितना उपकार कर सकते उससे बहुत ज्यादा उपकार हम कर सकते हैं। जैसे चींटी से लेकर हाथी तक कोई पौधे लगा नहीं सकता, हम पौधे लगा सकते हैं। एक किताब है जिसका नाम है द मैन हु प्लांटेड ट्रीज, बताते हैं उत्तरांचल में एक व्यक्ति ने अकेले 30 स्क्वायर किलोमीटर में पौधे लगा दिए, जंगल बना दिया, एक मैदान को जंगल बना दिया। इतना मनुष्य तो काम कर ही सकता है। एक बार आपका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। हमें सहज रूप से क्या स्वीकार है, 4 अवस्थर की व्यवस्था में परस्पर पूरकता के साथ जीना या अन्य 3 अवस्थरों की व्यवस्था पे हावी होना, उनका शोषण दोहन करना, और क्या हम जीने में परस्पर पूरक हैं, इस पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इन अवस्थाओं का अध्ययन करें तो दिखाई देगा कि 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थ अवस्था में सिर्फ 2 ही तरह की क्रिया दिखाई देती है, पहचानना और निर्वाह करना। जैसे अगर हम मिट्टी हवा पानी को देखें, है ना, धातुओं को देखें, अधातुओं को देखें, सिर्फ पहचान निर्वाह करना है एक निश्चित तरीके से। जैसे हमने आयरन ओर को निकाला, उसको गलाया तो एक निश्चित टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है, तो 7,500 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करेगा। तो हमने उसको मेल्ट कर दिया उसको, फिर उसको हमने, है ना, निकाल कर उससे स्टील बनाया, स्टील का फर्नीचर बनाया। अब वो सब एक निश्चित ताप दाब पे हो रहा है,
एक निश्चित आचरण है, हवा के बहने का एक निश्चित आचरण है। कैसे? पहचानने के आधार पर। हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहेगा, हल्की हवा होगी तो ऊपर की ओर उठेगी। अभी क्या हो रहा है, सिंपली एक पहचाना निर्वाह करना है इसमें। अगर पेड़ पौधों को देखें तो यहाँ भी पहचाना निर्वाह करना है, जिस तरह से पौधा पनपता है मिट्टी में, जिस तरह से पौधा वृक्ष बनता है, वृक्ष बन के वापस मिट्टी में मिल जाता है, तो पौधा जिस तरह से मिट्टी से खनिज लवण चुनता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो दो इकाइयों के बीच में एक परस्पर संबंध है पेड़ पौधे और मिट्टी में, उसको पहचानता है, उसको निर्वाह करता है। जीवों को देखें तो यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ मानना भी है और पहचान निर्वाह करना भी है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं भी, एक शरीर भी है। तो पशु पक्षियों को देखें तो वहां मैं भी दिखाई देता है। यहाँ पे मैं जैसी इकाई नहीं है, सेल्फ नहीं है, यहाँ पे मैं जैसी इकाई नहीं है, यहाँ है। कैसे पता लगता है? क्योंकि मैं मानने क्रिया दिखाई देती है। जैसे आप एक कुत्ते के बच्चे को घर में ले आइए और उसको नाम दे दीजिए टॉमी, वो नहीं पहचानता इस शब्द को, फिर आपसे टॉमी कहकर उसके ऊपर हाथ फेरिए, उसको खाने को दे दीजिए, ऐसा दो बार तीन बार या दो दिन तीन दिन करते हैं, अब वो पहचान जाता है। जैसे आप टॉमी बोलते हैं दौड़ कर आता आपके पास, पूंछ हिलाता है, उसने मान लिया है कि जब ये आवाज पे दौड़ के आएगा तो उसको खाने को मिलेगा, तो उससे आवाज से एक संबंध पहचान लेता है वो। अभी कहाँ हुआ? मानने में। उसने टॉमी शब्द को मान लिया कि टॉमी शब्द मेरा नाम है। आप एक पौधे को लगा दीजिए, उसको नाम दीजिए टॉमी, चार बार बोलिए, पांच बार बोलिए, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, वैसे घर की दीवारों में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट कुत्ते के बच्चे में आता है। वही आप बोल रहे हैं तो दुम हिलाएगा, आएगा, गोद में बैठेगा, कोई बाहर के व्यक्ति बोलेगा तो भौंकेगा। अभी मानना है वही आवाज है, आप बोलते हैं तो दुम हिलाता है, आपके पास आता है, वही आवाज अगला व्यक्ति बोलता है तो भौंकता है। अभी क्या है? मानना है, सिर्फ पहचानना नहीं है, इसमें मानना जुड़ गया, ये मेरा अपना है, बाकी वो पराया है। अगर मनुष्य को देखें तो मनुष्य में भी मैं और शरीर दिखाई देता है, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। अरे जो मानने की क्रिया से ही स्वयं यानी मैं की है ना होने का पता लगता है कि मैं वहां पर उपलब्ध है, मैं मौजूद है, विद्यमान है। अगर मनुष्य की बात करें तो वहां भी मानना, पहचान, निर्वाह करना दिखाई देता है, और साथ में जानने की क्षमता भी दिखाई देती है। जैसे अभी हम जो काम कर रहे हैं, जानने काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, मैं के अंदर हो रहा है। शरीर तो साधन की तरह काम कर रहा है। तो कोई इकाई पदार्थ अवस्था की है या प्राण अवस्था की है या जीव अवस्था की है, ज्ञान अवस्था की है, उसको समझा जा सकता है। और आपको दिखाई दे कि जो पदार्थ अवस्था है जैसा वैसा बना रहता है, परंतु जो प्राण अवस्था है उसमें ग्रोथ होता है। जैसे आप एक मंजिला मकान बना के चले गए, पांच साल बाद लौट के आए, तो आपकी उम्मीद नहीं होती है कि पांच मंजिला, एक मंजिला मकान जो है वो दो मंजिला हो जाए, क्योंकि मकान में ऐसा ग्रोथ तो होता नहीं है। परंतु एक पौधा लगा दें और चार दिन बाद देखें पौधे की ऊंचाई उतनी की उतनी है, तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पौधा मरता जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा, तो छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाता है, तो यहाँ ग्रोथ दिखाई देगा। यहाँ के अगर देखें तो पशु के शरीर में ग्रोथ दिखाई देगा, मनुष्य के शरीर में ग्रोथ दिखाई देगा, परंतु साथ में ये क्रियाएं दिखाई देंगी, मानना, पहचान, निर्वाह करना। यहाँ भी दिखाई देगा मानना, पहचान, निर्वाह करना, बट साथ में जानने की क्षमता भी दिखाई देगी। तो बाकी तीन अवस्थाओं को समझने के लिए मानव में सही समझ का होना आवश्यक है, अन्यथा जैसा हम अपने बारे मान लेते हैं, अगर हमने अपने आप को शरीर मान लिया तो बाकी सारे प्रकृति को भी हम अपने जैसा मान लेते हैं कि जड़ है, जबकि यहाँ जड़ है, यहाँ जड़ है, यहाँ जड़ और चैतन्य दोनों है। तो मुख्य बात तो ये चैतन्य जो मैं है ना, इसको समझना है। इसको समझते हैं तो जड़ भी समझ में आता है और बाकी इकाइयां भी समझ में आती है। नहीं समझते हैं तो उनका अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अन्यथा मूल्यन सब करते रहते हैं। तो अभी प्रकृति को समझने के अभाव में हमने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर ली, तो संसाधन का अभाव कर लिया है। संसाधन का अभाव मतलब रिसोर्स डिप्लीशन, तो जिस दर से हम प्रयोग कर रहे हैं उस दर से प्रकृति में पैदा नहीं हो रहा। जैसे हमने इतना सारा पेट्रोलियम निकाल लिया, कंज्यूम कर लिया, धुआं बना दिया, वापस नहीं, पेट्रोलियम तो पैदा नहीं हो रही धरती में कि नहीं। हमने इतना सारा आयरन ओर निकाल लिया, बॉक्साइट निकाल लिया, हमने उसका प्रयोग कर लिया, धरती में तो पैदा नहीं हो रहा, तो उसका अभाव हो गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का मतलब क्या हुआ कि उत्पादित वस्तु ही ऐसी कि वापस प्रकृति के चक्र में नहीं जाती। जैसे अगर हम देखें एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन हो रहा है, यूरेनियम 238 को 236 बना दिया है ना, उसके दो प्रोटॉन बाहर आ गए। अब ये जो यूरेनियम 238 से 236 बना दिया, अभी वापस 238 नहीं बन सकता, ये एसाइक्लिक प्रोसेस हो गया, ये भी प्रदूषण है। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट अपने आप एक बड़ा प्रोडक्ट रिस्क है,
क्योंकि एक तो ये साइक्लिक है, दूसरा उसके क्रम में जो रेडिएशन आता है उससे बहुत सारे स्वास्थ्य की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। दूसरा तरीका है प्रदूषण का कि उत्पादन की जो गति है वो प्रकृति के चक्र में वापस जाने की गति से ज्यादा है। जैसे हम जितना धुआं पैदा करें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब वो धरती में वापस नहीं जा रहा, प्रकृति में उसी गति से वापस नहीं जा रहा। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? सीमा जी ने अनम्यूट किया है। उसी गति से वापस नहीं जा रहा, ये भी प्रदूषण है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, पिछला एक रिफ्लेक्शन लिया था कि क्या हमें सहज रूप से स्वीकार है, तो कितना चारों अवस्थाओं के साथ परस्पर पूरकता के साथ जीना, ज्यादातर लोगों ने यही कहा है। और क्या अभी जीने में पूरक है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं, अभी पूरक नहीं है। एक रिफ्लेक्शन और ले लेते हैं आपका। तो आज हम अपने आसपास जो समस्याएं देखते हैं, जैसे वनों की कटाई, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना बढ़ जाना 410 ppm, जबकि सामान्य रूप से 250 होना चाहिए, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सब प्राकृतिक समस्याएं हैं और विज्ञान में पहले से ही इनकी स्पष्टता है, या मानव निर्मित समस्याएं हैं, हम पैदा कर रहे हैं समस्याओं को, समझ की कमी कारण, इस पर अपने विचार रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अगर हम पूरी प्रकृति को देखें तो दिखाई देगा मात्रा के रूप में अगर तो सबसे अधिक पदार्थ है, जैसे पूरी धरती के अंदर का हिस्सा देखें, पूरा पदार्थ है। धरती के सतह पे कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के बीच कहीं कहीं पशु पक्षी हैं, और सबसे कम हम हैं। अब प्रत्येक अवस्था की जो निर्भरता है वो पिछली सभी अवस्थाओं पर होती है। जैसे अगर हम अपने को देखें, हमारा जीना जीवों पर भी निर्भर है, पेड़ पौधों पर भी निर्भर है, पदार्थ पर भी निर्भर है कि नहीं। जीवों का जीना पेड़ पौधों पर निर्भर है, पदार्थ पर निर्भर है, पेड़ पौधों का पदार्थों पर निर्भर है। तो अगर हम इन तीनों को नष्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड कौन होंगे? हम ही होंगे। ऐसा बताते हैं कि अगर जितने भी टिड्डे कीड़े मकोड़े हैं विश्व भर में, धरती पूरी धरती पे, अगर ये नष्ट हो जाए पूरी तरह से, तो मनुष्य के लिए 5 दिन से अधिक जीना मुश्किल होगा। टाइम्स ऑफ में एक रिपोर्ट है, तो उसके साथ में कह रहा हूँ 5 दिन से अधिक जीना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ी भागीदारी है प्रोडक्शन में, इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है स्टोरेज में। तो अगर हम मानवों को देखें, ज्ञान अवस्था को देखें, तो उसका जो अस्तित्व है बाकी तीनों अवस्थाओं पर निर्भर है। अभी स्थिति ऐसी हो गई ना, जैसे एक कहानी बताते हैं ना कि पारंपरिक कहानी है कि एक व्यक्ति, मतलब कुछ लोग मिलकर गए कि धरती का सबसे मूर्ख आदमी कौन, उसको ढूंढ के लाते हैं। तो जब जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, एक डाल पे बैठा है, और जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब अगर हम देखें तो पूरी ज्ञानावस्था है जो मानव समाज है वो ऐसी हो गया है, हम इन डालों पे बैठे हैं, इन्हीं को काट रहे हैं, पशु पक्षियों खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधों खत्म कर रहे हैं, मिट्टी हवा पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हो गया, समस्या कौन भोग रहे हैं? हम ही भोग रहे हैं। कोरोना की समस्या कहाँ से आ गई? हमने पैदा की है। ये प्रदूषण इतना कहां से हो गया? हमने तैयार किया। जी अच्छी बात है, सभी लोग कह रहे हैं कि मानव निर्मित समस्याएं हैं। एक नया रिफ्लेक्शन लेते हैं आपका। तो क्या मैं देख सकता हूं कि मेरा अस्तित्व इन तीनों अवस्थाओं पर निर्भर है? आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पे। और क्या मैं अपने कार्य करते हुए बाकी तीन अवस्थाओं के पोषण के लिए कुछ कर सकता हूँ? इस पर आपने विचार रख सकते हैं। तो सभी अवस्थाओं का निश्चित आचरण है, मनुष्य को छोड़कर, यानी ज्ञान अवस्था को छोड़कर, सही समझ के भाव में। मानव में भी देखें तो शरीर का आचरण निश्चित है। ये जो सारी अनिश्चितता है वो मैं में है। क्यों है? बिना जाने मान लेना, गलत मान्यताओं के कारण। तो जानना को सुनिश्चित करना ये मानव के लिए मूलभूत आवश्यकता है, समझना मानव के लिए मूलभूत आवश्यकता है। और मनुष्य के पास स्वाभाविक रूप से जानने की सहज स्वीकृति भी है, क्षमता भी है, ताकि व्यवस्था में जी पाए, और उसके लिए शिक्षा संस्कार की जरूरत है। यानी कि समझे बगैर न तो हम अपने लिए पूरक हो पाएंगे, न हम दूसरी इकाइयों के लिए पूरक हो पाएंगे।
और वही हुआ फिर कि इतना रिसर्च करो कि धरती छोड़ के दूसरी धरती पे जा बसो। तो आज के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं 5 कार्यक्रमों का उल्लेख करें जो हम टेकअप कर सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक समाज के एक भाग के रूप में। और आप सभी, एक वीडियो है ये ऑल गोर ने बनाया है, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था, 2005 में बनाया था उसने, बट शायद यूट्यूब से हटा लिया है, परंतु हो सकता है इसका आपको कुछ क्लिपिंग्स मिल जाए देखने के लिए। एंड इनकन्वीनियंट ट्रूथ, इसको देख सकते हैं कि पिछले 70 सालों में ही धरती क्या दशा हुई है, कैसे ग्लेशियर पिघलते चले गए हैं, कैसे समुद्र का तल उठता चला गया है, कैसे जंगल कम होते चले गए, और ऐसे कैसे कैसे समस्याएं आ रही हैं, साइक्लोन्स है ना, या तूफान, ये बाढ़ या लैंडस्लाइड, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो वास्तव में देखें तो मानवकृत है। तो अगर पूरी बात को समअप करें तो 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, इन्हें परस्पर पूरकता का संबंध दिखाई देता है। इन 4 अवस्थाओं में परस्पर पूरकता का संबंध होता है। ये धीरेन्द्र भैया ने कहा कि उनके पास फिल्म है, तो कोई भी अगर चाहे तो भैया से ले सकते हैं। पहले 3 अवस्थाएं अगर देखें तो एक दूसरे के साथ परस्पर पूरक हैं और मानव के लिए पूरक होती हैं, और मानव को सभी अवस्थाओं के लिए पूरक होना सहज रूप से स्वीकार भी है। तो मानव की भूमिका जो है इस परस्पर पूरकता को समझने के लिए है और इसके अनुसार जीने के लिए है। तो अगर हम इस बात को समझ लें कि प्रकृति में व्यवस्था किस प्रकार है और किस तरह अंतर्निहित है उसमें, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना ही हुआ है। एक मजे की बात आपको बताते हैं कि ऐसी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक वैज्ञानिक जो है अपने पार्क में, घर के पास पार्क में टहल रहा था, तो उसने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही है और खूब तेजी से उड़ रही है और दाएं बाएं इधर उधर खूब उड़ रही है, और एक गाय जो है वो धीरे धीरे जमीन पर टहल रही है। उसने कहा कि देखो ये गाय कितने काम आती है हमारे, है ना, और इसमें ये क्षमता नहीं कि उड़ पाए, और चिड़िया जो कोई काम नहीं आती, देखो कैसे उन्मत्त होकर आकाश में उड़ रही है। तो अगर मैं प्रकृति को डिजाइन करता तो मैं गाय को उड़ाता और चिड़िया को टहलाता। ऐसा सोच ही रहते तो चिड़िया ने उनके सर पे बीट कर दिया। उनको लगा नहीं यही डिजाइन ठीक है, अगर गाय ऊपर से गोबर कर दे तो मेरा क्या हाल होता। तो भी कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रकृति का डिजाइन गड़बड़ है, हमको ठीक करना है, परंतु अगर उसको हम समझ पाए है ना, तो प्रकृति के साथ पूरक हो सकते हैं। तो मैंने अपनी बात अभी पूरी की, थोड़ा समय की सीमा थी, बहुत तेजी से हम लोग चले, परंतु अब आपके सारे प्रश्न ले सकते हैं और 4:25 का समय हो गया। तो सत्य प्रकाश जी हैं तो उनसे थोड़ी बात सुन लेते हैं और कोई साथी। जी भैया, मुझे लगता है ठीक है जी, ज्यादा अच्छा होगा कि ये समय हम उपयोग करें, अगर किसी की कोई, चूंकि आज सत्र काफी विस्तृत था और थोड़ी गति भी तेज थी, तो अगर इस बीच अगर किसी के कुछ मन में कहीं दुविधा हो या किसी पे और स्पष्टता चाहते हो तो वो सवाल करने का समय ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग तो बात कर लेंगे। हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कर दी है और आपके लिए मैं वापस लौट के स्लाइड पे जा सकता हूँ, तो अब जो भी प्रश्न बनता है उसको रखें आप अपनी तरफ से, कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो। लंच के पहले तक हम लोग काफी विस्तार से बात कर पाए है ना, और अभी थोड़ा सा अपने को इस प्रकृति वाले में थोड़ा कम समय मिला। इनफैक्ट प्रकृति की व्यवस्था पे ठीक से बात करने के लिए तो अपने को दिन भर का समय चाहिए, इससे जुड़े अभी तो हमने पूरा अध्ययन नहीं किया एक अवस्था का, एक अवस्था का अध्ययन करेंगे तो और बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जी सर, मैं चूंकि फिर वो इसी बात पर आऊंगा कि जैसे हमने अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ ली है, सही से समझ जो सहज स्वीकृति और समझ के साथ कार्य करने लगे तो शायद ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन आखिरकार ऐसा बहुत नियरेस्ट दिख नहीं रहा है कि हो जाए, क्योंकि बहुत ही जो परस्पर प्रति जो अपने आप को मतलब आगे लाने का कार्य जो सरकार या देश कर रहे हैं तो इससे तो बहुत जल्दी नुकसान ही हो जाएगा, लेकिन इतने जल्दी कैसे हो, कैसे संभव हो? देखिए, एक बात तो ये है ना कि अल्टीमेटली हर आदमी को दिख रहा है कि मेरा जीना बाकी 3 अवस्थाओं पर निर्भर है। ये और बात है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अपना अपना दाल काट रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तुम काटना बंद करो तो मैं काटना बंद करूं, अभी देश आपस में ही कर रहे हैं।
कि भाई तुम पहले प्रकृति का दोहन बंद करो तो मैं बंद करूं, समाज समाज आपस में यही कर रहे हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम प्रकृति के साथ पूरा खोकर अपनी आवश्यकता ठीक से पूरी कर सकते हैं, और उसमें क्या है ना, अगर शिक्षा में बात ठीक से चली जाए तो ये हो सकता है। अभी भी आप देखिए तो पर्यावरण के प्रति जो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है पिछले 20 वर्षों में, पहले से बहुत अधिक है। अभी कोई अगर जंगल काटे तो उससे बहुत सारा प्रश्न उठता है। अभी अमेजन में आग लगाया गया पेड़ों में, अमेजन बेसिन में, तो पूरे विश्व भर में लोगों ने शोर किया। अभी लक्षद्वीप में कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर बहुत सारा अभी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये बात तो लोगों को दिख ही रहा है, परंतु अभी लोगों को लगता है अभी समय है, अभी प्रकृति इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगी, तो जहां तक और उसको पल्यूट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको लोग करने का भी विचार कर रहे हैं। परंतु तो एक समय के बाद दिखेगा कि अगर हम शुद्ध हवा नहीं ले सकते, शुद्ध पानी नहीं ले सकते, शुद्ध भोजन नहीं ले सकते, अल्टीमेटली से फायदा किसका हुआ। जी अभी मंसारी छतरपुर में सारा जंगल कटने वाला है, वहां पे कुछ हीरे का खदान निकला है और शायद उसके लिए पूरे जंगल को 1.5 लाख पेड़ों को काटने की बात हो रही है। अभी सब तो मैं छतरपुर से हूँ जी, मैं कुछ रख सकता हूँ इस संबंध में बात। जी जी बताए। सच्चाई ये है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और 80% जंगल हम खुद साफ कर चुके हैं। चोरी से हमने उसको बेचा है, सागौन बहुत बहुतायत में है, हर घर में चोरी का सागौन लगा हुआ है, फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार पूरा का पूरा चोरी से चलाते रहे सालों से। अब जब 20% जंगल बचा है तो हम ही लोग अब इस चीज को नेतृत्व कर रहे हैं कि साहब गलत पेड़ काटे जा रहे हैं। ये एक मूल समस्या है कि जब नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो सारी की सारी समस्या की जड़ है, तब लोगों का विश्वास कर पाना बड़ा कठिन होता है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसको अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में, ये डेटा साइंटिफिकली स्टडी करके निकाला गया है कि एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 4 बड़े पेड़ों का प्रयोग करता है। जैसे कि अगर सागौन जैसा पेड़ देखें, मतलब सागौन को तो खैर लगाया नहीं जाता, परंतु नीम का वृक्ष देखें या इस तरह के वृक्ष देखें, 4 बड़े पेड़ों से इतनी लकड़ी मिलती है उतना प्रयोग करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में। और आप थोड़ा सा देखिए कि एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में कितने पेड़ लगा सकता है, तो हर वर्ष कम से कम 2-4 पेड़ तो लगा ही सकता है, एक श्री यात्रा में 100 पेड़ तो लगा ही सकता है। बट अभी हमारी वो योजना में शामिल नहीं है। अगर उसकी योजना में शामिल कर लिया जाए तो अगर जंगल से हमको मान लीजिए कोई चीज चाहिए, पेड़ चाहिए, तो हम अगर लाते हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि आप सागौन ही काटें, सागौन तो मनुष्य ऐसा बताते हैं कि मनुष्य के लगाने से उगता नहीं है, प्राकृतिक ढंग से उगता है, परंतु यदि हमको कहीं पेड़ या लकड़ी की जरूरत है तो लाएं और उससे दुगना लगा दें, ये जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई है, ये मुख्य समस्या है। जितने पेड़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे अधिक लगा दें तो आवर्तनशीलता बनी रहेगी। बिल्कुल सही, लेकिन हमने ईंटा भट्टों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इतने ज्यादा, आज हम लगभग जैसे 1.5 लाख पेड़ आज काटे जा रहे हैं, लेकिन हम इसके पहले जो है 40 लाख काट चुके हैं, उसकी हम बात करने तैयार नहीं, उसकी हम जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। वही है, मतलब देखिए तो गलती तो हमारे इन पे हो ही जाती है ना, फिर वो धीरे धीरे गलती बढ़ती चली जाती है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैं वो साझा करना चाहूंगा। सर, मेरे घर पर एक मटके में पीपल का पेड़ लगा हुआ था, तो मेरे घर वालों की ये मान्यता थी कि पीपल का पेड़ घर पर ज्यादा दिन तक नहीं लगा सकते, और मेरे ही पास में एक शासकीय भूमि पर एक सामाजिक लोगों के द्वारा पार्क डेवलप हो रहा था, तो मैंने मन में ऐसा विचार किया कि क्यों ना इस पेड़ को उस पार्क में रोपित किया जाए। तो मैंने उस पेड़ को वहां पे रोपित किया और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मैंने ली, एक जाली से मैंने उसको कवर्ड किया और मैं अक्सर उसकी देखरेख करता था, लेकिन मैं देखता था कि बहुत सारे लोग उस वृक्ष को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते थे और उसके आसपास गंदगी करते थे। मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से अक्सर उन लोगों को सहज भाव से समझाने का प्रयास करता था, लेकिन उनमें से कुछ लोग
शायद मेरी बात को समझ पाए थे और कुछ नहीं समझ पाए थे, तो वो अक्सर उस पेड़ के आसपास गंदगी किया करते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक हुई कि शायद मेरा समझाने का जो दृष्टिकोण है वो इन लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां पर मेरी सोच धार्मिक भावना की तरफ बढ़ी और फिर मैंने मेरे दोस्तों के साथ मेरे अंदर जो बात आई उसको साझा करते हुए मैंने कहा कि क्यों ना हम इस वृक्ष के पास एक चबूतरा बना दें और चबूतरे के पास अपन जो है शिवजी की पिंडी को स्थापित कर दें, तो शायद इस वृक्ष के आसपास गंदगी भी नहीं होगी और इसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया। तो फिर देखने में ये आया कि मैंने जब पर्यावरण के दृष्टिकोण से लोगों को समझाने की कोशिश की तो वो बात उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब मैंने धार्मिक मान्यता के रूप में उस काम को किया तो मैंने देखा कि मोहल्ले के बहुत सारे लोग, महिलाएं उस वृक्ष पे जल चढ़ाने जाने लगी, शिव जी को जल चढ़ाने लगी और वहां पर प्रॉपर सफाई रहते हुए उस वृक्ष का संरक्षण भी प्रॉपर होने लगा। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज वो वृक्ष अपने पूर्णता की तरफ बढ़ गया है, काफी छाया देता है और मैं जब भी उस वृक्ष के पास से गुजरता हूँ तो मुझे एक हृदय स्पर्श की आनंद की अनुभूति होती है। तो मेरा एक यही अनुभव साझा करने का था कि मैंने सहज पर्यावरणीय के दृष्टि से, सहज भाव से जब लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उन तक वो बात नहीं पहुंच पाई थी और मैंने उसके धार्मिक मान्यता के रूप में लिया तो शायद समझ पहुंच गई थी। थैंक यू सर। मैं इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करूंगा अभी, मगर जी फॉर्मली क्लोज कर रहे हैं हम लोग। जी जी, तो समय हो चला है तो फॉर्मली हम लोग सेशन को यहाँ क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के कुछ दूसरे एंगेजमेंट भी। आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ पा रही जी। फॉर्मली हम लोग कल के बारे में भी अनाउंस कर सकते हैं। हाँ कर दीजिए। मैं थोड़ा बाहर हूँ भैया, बैकग्राउंड नॉइस आएगा, आप कर देंगे अगर, या परीक्षित भैया कर दें। जी परीक्षित भैया। जी सभी को नमस्ते, स्वागत है। और चार दिन की चर्चा में हम लोग ने आज चार स्तर की व्यवस्था तक की चर्चा यहाँ पे आज कंक्लूड करी और अभी फॉर्मली हम लोग सेशन क्या क्लोज कर रहे हैं। कल हम लोग इन चारों व्यवस्था के अलावा और क्या बचा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और सेशन को कंक्लूड करते हुए फिर हम आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन सुनना चाहेंगे आपसे। तो इतना ठीक है कुमार भैया। हाँ ठीक है भैया। जी जी, तो कल हम लोग अस्तित्व की व्यवस्था पे बात करेंगे पहले सत्र में और फिर आप सबका मूल्यांकन लेंगे। मूल्यांकन आप सबका लेना चाहेंगे तो अभी फॉर्मली हम लोग क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग 10-15 मिनट यहाँ बने हुए हैं तो आपके अगर कोई भी प्रश्न या शेयरिंग या रिफ्लेक्शन है तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं। फॉर्मली सेशन ये क्लोज हो रहा है। जी नमस्ते सभी को। जी कुमार, हम लोग उपलब्ध हैं। हम लोग उपलब्ध हैं अभी। जी तो अभी जो भैया बात कर रहे थे मैं उस पर थोड़ा एक रिफ्लेक्शन देता हूँ। कौन भैया थे जो पेड़ के लिए कह रहे थे ना अभी? जी सतीश। तो देखिए, एक स्थिति है कि हमने पेड़ लगाया और लोगों ने नासमझीवश काट दिया। दूसरा है कि हमने पेड़ लगाया उसको बचाने के लिए कोई मान्यता बनाई लोगों के अंदर जिससे पेड़ बचा रह गया। पर तो जो तीसरा एक विकल्प और भी हो सकता है कि लोगों के अंदर हमने समझ सुनिश्चित की जिससे पेड़ बना रहा और लोगों ने खुद अपनी स्वीकृति से और भी पेड़ लगाए। तो कई बार मान्यता वश हम एक डिजायर्ड आउटकम तो ले आते हैं, परंतु मान्यता कई बार एक तो हमको निष्कर्ष देती है, एक तो तरीका उससे निकल के आता है, बट हो सकता है दो चार और समस्याएं पैदा कर दे। जैसे हमने मान्यता वश हो सकता है पेड़ को बचा लिया, परंतु यदि कोई उस पेड़ को काटने गया या कुछ क्षति पहुंचाया और समाज के दो गुटों में लड़ाई हो गया तो एक नई समस्या पैदा हो गई। तो ज्यादा अच्छा है कि लोगों के अंदर हम समझ विकसित करें जिसे हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो तो बने ही रहे, लोग भी अपनी स्वेच्छा से और पेड़ लगाएं, वो ज्यादा अच्छा कार्यक्रम बनेगा। जी, अगर समझ वाले काम को किया जाए ना उसका मल्टीप्लीकेशन भी ज्यादा है, प्रिजर्वेशन भी ज्यादा है। जी डॉक्टर प्रवीण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी थैंक यू।
जी प्रवीण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया। और किन्हीं का कोई सर नमस्कार सर नमस्ते सर, बस निवेदन कर रहा था कि सतीश जी ने जो बात कही है उसी बात से मुझे भी याद आया कि 2005 में गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने भी एक जो गमले में बरगद का छोटा सा नन्हा पौधा था, मैं जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाता था वहां पर सर के यहाँ था वो, तो सर से मैंने कहा कि सर ये इसकी प्रकृति में जी नहीं पा रहा है, मेरे ऑफिस में काफी जगह है तो मैं इसको वहां लगाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल यही की यही बात हुई कि उसको फिर मैंने 2005 में ऑफिस में लगाया, और ऑफिस में लगाने के बाद उसको अलग अलग कारणों से 3 बार जगह बदलना पड़ी, कभी कुछ प्रोजेक्ट आ गया, कभी वहाँ कुछ किसने पाइपलाइन खोद दी, तो उस चक्कर में 3 बार बदलने के बाद फिर भी चूंकि वो सर का दिया हुआ पौधा था तो उस पर जाली वगैरह बांधते हुए पूरी केयर करते हुए उसको इस सुरक्षा दी, और सुरक्षा देते हुए आज वो लगभग 4 मंजिल से ऊंचा अधिक बढ़ गया है और काफी घना हरा हो गया है। तो उसमें जो अभी आपने बात कही कि सतीश जी ने जैसे कहा कि उन्होंने शिव जी की पिंडी बिठाई थी, ऐसा मुझे कई लोगों ने कहा उस समय ऑफिस में जी। कि इसके नीचे भी कोई धार्मिक स्थल बना देते हैं, तो और इसके लिए एक बार तो मैंने सहमति भी दे दी थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि फिर बोला कि नहीं, ये अगर कोई किसी भी प्रकार से कोई शिव जी या भैरू महाराज बिठा दिए तो फिर वो जो एक पर्यावरण का जो संदेश है, ये पर्यावरण संरक्षण का या पौधा लगाने का या उस पौधे से पेड़ बनाने की जो एक अपने अंदर का विल पावर है, वो एक संदेश नहीं जा पाएगा। तो आज वही बात हुई कि सर आज उसको जब 4 मंजिल से अधिक ऊंचा हो गया है तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऑफिस में आज की तारीख में उसके बाद कम से कम 40 पौधे जो पेड़ बन चुके हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये उसी से प्रेरणा लेकर हुआ। 2005 के पहले वहां पर सिर्फ प्राकृतिक रूप से कुछ पौधे थे जो वो भी जिसको हम गाजर घास या बबूल के कांटे वगैरह कहते हैं, जिसको हम झाड़ी कहते हैं। उसके बाद सर ऐसा हुआ वहां पर कि कम से कम आज 6 से 7 तो जामफल के हैं, 4-5 जामुन के हैं, और 3-4 तो त्रिवेणी है, मतलब नीम पीपल और बरगद की। तो मैं खुद देखता हूँ तो आज उस हरे भरे माहौल को देख के जो प्रेरणा मिलती है कि यार कहीं से भी शुरुआत हुई हो, लेकिन वो उसका नाम भी मैंने दे रखा है, नहीं उसका मेरे सर तो अब नहीं रहे जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, पर उस पौधे का नाम मैंने फिर निगम वटवृक्ष दिया था सर, क्योंकि निगम साहब ने मुझे दिया था। तो उसका नाम जब सर उस पौधे का निगम वटवृक्ष नाम रखने से ये फायदा मिला कि वो एक हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज हो गया सर, कहीं ना कहीं हमको उससे ऊर्जा मिलती है। तो मेरा संदेश भी यही था इस बात को बताने का कि हम उसको धार्मिक मान्यता न देते हुए हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी परिचय दें, और हो सके तो परिवार के किसी सदस्य का नाम दे दें, किसी स्थान का नाम दे दें, तो उससे क्या हमारी भावनाएं बहुत तेजी से उससे चिपकती है, हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं इन बातों से और उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ ख्याल रख पाते हैं। तो और अगर अनुमति भी देंगे तो मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही उसका एक वीडियो बनाया था 15 सेकंड का, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें शेयर कर सकता हूँ सर। हाँ, कर दीजिए, सब लोग देखेंगे, अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ 15 सेकंड का है लेकिन है बड़ा खूबसूरत, तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ सर उससे, तो बिल्कुल उसको ग्रुप में शेयर करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नितिन जी ने हैंड रेज किया। जी नमस्ते भैया। एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ, हम अभी 10 ईयर्स से मेडिटेशन कर रहे हैं और अभी ढाई वर्ष से आनंद विभाग से जुड़े हुए हैं। तो अभी एक नया इनिशिएटिव हुआ है जिसमें लगभग 2200 एकड़ में 4 लाख पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा। और उसमें हाँ जी जी और 4 लाख फीट लग चुके हैं और अभी 4 लाख और लगने की योजना है। अच्छा अच्छा, मतलब इतना उसका वीडियो भी हमारे पास में है, उसमें हमारी भी सहभागिता है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो उसका इनिशिएटिव है और उसमें जो पेड़ लगाता है उसका नाम भाई जो पेड़ लगता है। अच्छा अच्छा, जैसे हमने अभी 5 पेड़ लगाए थे उसमें, तो
हमारा नाम, हमारी मैसेज का नाम, एक माता जी के नाम पे, एक भाई के नाम पे, ऐसे चार पांच पेड़ लगाए हुए हो, तो आपका नाम रहेगा और वो पेड़ हमेशा के लिए वहां रहेगा। आप जाइए एक साल, जब भी आप जाएं तो उस पेड़ को देखें, वो इतना बड़ा हो गया है और उस पेड़ के सामने बैठ के जब ध्यान करते हैं तो वो पेड़ भी चार्ज हो जाता है और उसको गले लगाने का मन करता है। तो बड़ा मतलब उसका एक आपको एक वो भी मिलता है, एक प्रमाण पत्र भी मिलता है, जब आप उसको लगाते हैं तो ऑनलाइन आपकी उस पे आ जाएगा, मतलब मेल पे आ जाएगा कि आपने ये पेड़ लगाया है, उसकी फोटो समेत आपका उस पे आ जाता है। तो उसका भी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ सबसे अच्छी बात ये है सर कि बिल्कुल सूखा स्थान था, वो बंजर जमीन थी, एक मतलब मुश्किल से 1-2% पेड़ थे वहां पे, आज इतना हरा हो गया है, केवल गिरनी के अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे, और विश्व के सभी प्रकार के पेड़ वहां पे लगे हुए हैं। आप यहाँ से आम ले जाइए, आप आम लगा सकते हैं, जिस देश की जो भी प्रजाति का पेड़ वहां हो सकता है उस एटमोस्फेयर में, वहां पे आप रोप सकते हैं उसको। तो वो मंगाते भी हैं कि आपके यहाँ कोई ऐसी प्रजाति है जो यहाँ नहीं है, आप लेके आइए, यहाँ रोपिए उसको, हम आपको गड्ढा करके देंगे, उसमें बाकायदा वो उसका संरक्षण करेंगे, पानी देंगे, और इस प्रकार से वहाँ बहुत बृहद मतलब वो कार्यक्रम चल रहा है पेड़ का। तो हैदराबाद जैसी जगह पे, छत्तीसगढ़ में आपके एमपीओ छत्तीसगढ़ में वाटर शेड का जो काम हुआ वो नेचर के लिए काफी एनरिचिंग रहा। जी जी, बहुत अच्छा काम हुआ है वो। तो एक बूढ़े आदमी की कहानी है सर, उस पर डली है यूट्यूब पे। थोड़ा सा मैं सर संक्षेप में लेता हूँ आपको, और लोग मैं शेयरिंग लेता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता जी ने बहुत देर से कोई बात नहीं कही है। सर एक मिनट, मैं अनुमति चाहता हूँ, अगर वो वीडियो में डाल सकता हूँ साइट पे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार उसके लिए सत्यप्रकाश जी से बात कर लें, और भी साथ कोई अगर डालना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी और कोई कुछ शेयर करना चाहे? कमलेश तिवारी जी, मुकेश जी, संजय जी। जी सर जी, नमस्ते, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी जी, कुछ अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, मैं यही थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में साइड में कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ संतकुंज आश्रम है, और उसमें अपनी जो जिला आनंदम की टीम है, अपनी सतना में, मैं सतना से हूँ बेसिक, तो जिला जो आनंदम की जो टीम है, पिछले 4 साल से कंटिन्यू और 40-45 पौधे लगाते हैं, और वर्तमान में वहाँ पे 153 पौधे ऐसे हैं जो 12 से 15 फुट हो चुके हैं, और जो 16-17 में लगाए थे वो इस बार जैसे आंवला के और अमरूद के और सीताफल के, इसमें मैं फल आ गए, इस बार फल फलाए थे, और सभी पौधे कंप्लीट तैयार हैं। उसमें मतलब गड्ढे की खुदाई से लेकर के, मैं मेन चीज एक बताना चाह रहा हूँ कि जब अपन आगे चलते हैं तो समाज के लोग कैसे अपने साथ में जुड़ के चलते हैं। हम लोगों ने 3-4 लोगों ने प्लानिंग की, जो अपने आनंदम सहयोगी और सक्रिय आनंदक थे, आनंदम क्लब वाले थे, तो पौधा मैं लाया था, गड्ढा सब लोगों ने मिलकर खना था, उसमें मतलब अभी तक उसके फल लगने तक पूरी व्यवस्था अपनी टीम ही किया है, श्रमदान से लेकर के और उनके संरक्षण तक की, मतलब पौधा लाना, पानी की जरूरत पड़ी तो पाइप जहाँ से अपन पानी ला सकते थे तो पाइप अपन लोगों ने मिलके खरीदा, और आज वो पौधा 2 साल के अंदर सभी फलने लगेंगे, फर्स्ट साल वाले इस बार फल भी आ गए हैं, तो 140-145 पौधे पूर्णतः तैयार हो गए हैं, और अपने आनंदम की टीम के द्वारा ही उनका मतलब लगाना भी, लगाने के साथ साथ में 10 दिन में पानी देने जाना, और वहीं आश्रम में गोबर की खाद थी तो गोबर की खाद वगैरह भी डालना, और आज कम से कम 20-22 लोग ऐसे हो गए हैं कि बस एक ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कल 7 बजे चलना है, तो लगभग 60-70 लोग पहुंच जाते हैं, मतलब 8-10 लोग तो तब भी हो ही जाते हैं, और सही टाइम पे पहुंच के 2 घंटे श्रमदान होता है, और काफी लोग उत्साहित भी होते हैं जब वो पौधे को देख करके, और अपने उसको कि हमने अगर इतना पौधा रोपण होता कई बार और उसमें जीवित 2-4 भी नहीं रह पाते, और अपन लोगों के 98% पौधे पूर्णतः तैयार हैं। जी सर, जी जी, थैंक यू। तो बताएं सत्य प्रकाश भैया, बताएं फिर हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करें।
को सेशन को क्लोज किया जाए? हाँ, मुझे लगता है कि अब होली बात तो खत्म कर लेते हैं, कल के लिए बता ही दिया है। कल हम लोग 12 बजे से समापन सत्र रखे हैं, तो उस समापन सत्र के बाद फिर से जो हम शाम को मिल, तो जो भी हम लोगों ने इन पिछले 3-4 दिनों में सीखा समझा है, जो कुछ भी हम समझते हैं, वो सब सबको अपनी बारी बारी से अपना शेयरिंग करनी है, तो मूल तो इतना ही है। ठीक बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। कोई और कुछ शेयर करना चाहेंगे तो रख लें, अदरवाइज हम लोग आप क्लोज करते हैं। मोहित भैया, परीक्षित भैया, भैया कर सकते हैं अब तो क्लोज। प्रवीण कंगराड़े जी भी दिख रहे हैं, प्रवीण भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? संभव जी, किसी फिल्म की बात करी थी आपने, वो क्या हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होगी? जी, वो फिल्म तो ऐसे लंबी है, 1 घंटे करीब। धीरेन्द्र भैया के पास वो फिल्म है, हो सकता है ड्राइव पे शेयर करें तो आप लोग को मिल जाएगा। वो करीब 1 घंटे की फिल्म है, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। तो मेल पर जी, इसमें धीरेन्द्र भैया बता सकते हैं कैसे वो शेयर करेंगे। जी भैया, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बस आप बंद कर सकते हैं फिर, कल फिर कर देंगे, क्योंकि काफी लोगों ने छोड़ भी दिया है अभी ये मीटिंग। जी ठीक है, हम लोग क्लोज करते हैं। भैया से आप संपर्क कर लें। जी भैया, मैं देखता हूँ भैया कैसे उसको डाल सकता हूँ, कोशिश करके डालता हूँ उसको कंप्रेस करके। जी ठीक है भैया, ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, हम लोग कल फिर सुबह मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सभी को। जी सर, नमस्ते।